सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द वी एम सी क्लासेज एंड टूडे आई एम मेघा राघव योर जोअलॉजी फैकल्टी गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ न्यूट्रिशन सो अगर मैं आपसे न्यूट्रिशन की बात करूँ तो मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है उनको लगता है कि न्यूट्रिशन सिर्फ ये है कि आपके फूड में किस प्रकार के न्यूट्रियट्स हैं बहुत बार मैंने अपने बच्चों से पूछा है कि भाई साहब आप बताओ कि आपको न्यूट्रिशन का मतलब क्या पता है तो वो बोलते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मतलब कि न्यूट्रिश न्यूट्रिय भरा खाना खाना ठीक है उनकी बात बहुत अच्छी है बट वो बात अधूरी है सो आज उस अधूरी बात को पूरा करने के लिए मैं मेघा राघव आपके जोलॉजी फैकल्टी बताने जा रही हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और इसकी छोटी छोटी डिटेल्स जो आपके टेंथ स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स में आएंगी ही आएंगी गारंटी के साथ आती है बेटा सो so, आज हम इस चैप्टर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये जो वर्ड है ना सिंप्लीफिकेशन वो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सो लेट एस मूव टू दिस चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज अगर आप न्यूट्रिशन को समझेंगे तो आप देखेंगे ये जो वर्ड है न्यूट्रियो ये जो वर्ड है इसी की वजह से जो वर्ड न्यूट्रिय पड़ा हुआ है वो आया है तो ये जो न्यूट्रियो है इसका मतलब क्या है या फिर न्यूट्रिय हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट टू न्यूट्रिशन है ना सो so, देखो आप सबसे पहले बिना जो भी पीछे है आप उसको भूल जाओ अभी आप सिर्फ मेरी बात सुनोगे न्यूट्रिय और न्यूट्रिशन क्या होता है जब आप किसी खाने को खाते हो उस खाने के पदार्थ में जो आपको पदार्थ मिल रहे हैं ठीक है जिससे आपको एनर्जी मिलने वाली है उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट जैसे आपने रोटी खाई ठीक है और जब आपने रोटी खाई तो आपके अंदर गए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो आपने बहुत बचपन में जब आपने क्लास में आपने बायो को पहली बार पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा था और वो क्या था उस न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या थे आपने पढ़े कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाइटमिन मिनरल है ना ये है न्यूट्रिय तो मैम न्यूट्रिशन क्या होगा न्यूट्रिशन तो एक जैसा ही वर्ड है न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन मुझे एक ही लगता है बेटा न्यूट्रिशन जो है उसका मतलब होता है कि आप उस खाने के पदार्थ को किस तरीके से अपने अंदर ले रहे हो और लेने के बाद किस तरीके से उसको तोड़ोगे और तोड़ने के बाद उसको यूटिलाइज करोगे है ना अपने शरीर में अपने शरीर के सेल्स को कैसे उन न्यूट्रिएंट्स तक पहुंचाओगे उसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये है न्यूट्रिशन मैम so, क्योंकि आपने इतना सबकी बात कर ली कि खाना बाहर से लेना है और लेने के बाद उसको तोड़ना है तोड़ने के बाद उसको उसको यूटिलाइज करना है उससे एनर्जी जो मिल रही है उसका इस्तेमाल करना है सो so, मैम ये सारा शब्द अगर मैं देखूं तो इसको तो बोलेंगे खाना पचाना बिल्कुल ठीक खाना पचाना यानी कि डाइजेशन इज नथिंग बट अ पार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन सो so, न्यूट्रिशन अगर देखा जाए मेरे साथ ये लास्ट लाइन आप सब लोग पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड क्या क्या कि जस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है कि न्यूट्रिय की रिक्वायरमेंट क्या है है ना हमारी बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है दूसरा कि मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड क्या है आपकी एनसीआरटी पढ़ रही हूं बेटा कुछ डिफरेंट नहीं है मोड ऑफ इंटेक क्या है क्या आप बाहर से सीधा उठाकर खाना खा लेते हैं आपके शरीर के अंदर खुद ही खाना बन रहा है या आप किसी के ऊपर चिपक चुके हैं और उससे खाना अपना ले रहे हैं है ना सो इज डिफरेंट ऑफ ऑफ मोड न्यूट्रिशन एज वेल उसके अलावा हम देखते हैं यूटिलाइजेशन सो so, बेटा ये तीन चीजों को जब आप एक साथ मिला लो कि आपने खाना किस तरीके से खाया उसको किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर डाला और किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया इस पूरे टर्म को इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन समझ आया आगे चले चलिए सो अब हम बात करते हैं आगे जाएंगे और बात करेंगे न्यूट्रिशन की है ना यही मैं आपको बता रही हूँ यही मैं आपको बता रही हूँ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो बेटा न्यूट्रिशन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो दो भागों में डिवाइडेड है और बचपन से आपने पढ़ा भी हुआ है है ना बचपन से आप पढ़ रहे हो कि जो न्यूट्रिशन है वो दो तरीके के होते हैं यानी जो ऑर्गेनिजम्स है लिविंग प्राणी हैं वो दो ही तरीके से खाना खा सकते हैं या कह सकते हो कि खाने का उत्पादन मतलब अपने लिए बनाते हैं वो है ना सो कैसे कुछ प्राणी आपको ऐसे दिखे जो जीवित हैं पर उनको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है ना बाबा ना व्हाट दे डू एक्चुअली प्रिपेयर देर ओन फूड वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं सेल्फ मशीनरी उनके अंदर अच्छी खासी है जैसे ऑटो होता है ना ऑटो का मतलब होता है खुद से चलना सो so उनके अंदर खुद ही सेल्फ मशीनरी है जिससे उनका खाना खुद की बॉडी के अंदर बन जाता है

प्लांट्स क्या कभी आपके पास आते हैं कि आज मुझे एप्पल चाहिए आप मुझे एप्पल दे दो आज मुझे बनाना चाहिए आप मुझे बनाना दे दो नहीं ना या कभी उन्होंने अपनी मम्मा से मांगा है कि मम्मा मैं छोटा प्लांट हूँ मुझे अपना खाना दे दो नो सो व्हेन वी सी प्लांट्स हम हमेशा देखते हैं कि प्लांट्स कभी भी किसी और से खाना नहीं मांग रहे इसका मतलब क्या हुआ कौन बताएगा इसका मतलब क्या हुआ इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट है उनको किसी की जरूरत नहीं है दे आर इंडिपेंडेंट फॉर मेकिंग देयर फूड वाया कौन सा प्रोसेस छठी कक्षा में पढ़ लेते हो सो वाई बाई फूड एंड देर फॉर वी कॉल टाइप ऑफ न्यूट्रीशन एज ऑटोट्रोफिक पे क्या लिखा है nutrition, कैसा nutrition हुआ? Own food. Own food पे हम हाईलाइट करेंगे सो so क्या है इसमें एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो प्लांट्स तो प्लांट्स तो मेघा मैम नहीं पढ़ा रही है 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 ना? So, let us move towards the animals वाली चीज़ कि यार हम जो 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 हैं हैं? या या फिर एक या फिर एक एक छोटा सा वो किस तरीके से खाना लेते है? आप बताओ आप कैसे खाना लेते हो आप जाते हो मेरे को प्लेट में खाना दे दो ऐसे ही होता है बट क्या आपकी मम्मा वो खाना खुद से प्रिपेयर करती हैं ऑब्वियसली जस्ट ओनली कुक दैट फूड बट प्राइमरीली वो कहाँ से लेकर आ रही हैं फ्रॉम द मार्केट एंड मार्केट में कहा से आ रहा है फ्रॉम द प्लांट्स सो कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडेंट प्लांट्स, यस और नो, मुझे खाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आज मुझे चाहिए राजमा चावल ठीक है बहुत फेवरेट है बच्चों का तो राजमा चावल के लिए मैं क्या करूंगा मुझे खेत का है ना मतलब एक फार्म का मुझे चाहिए होगा मुझे के और वहीं फिर मुझे मतलब एक पूरा का पूरा यार्ड होगा या फिर आप कह दो खेत कह दो है ना पूरा का पूरा जहाँ पे चावल उग रहे होंगे तो आप वहाँ से चावल आते हैं है ना आप तो ऑब्वियसली नहीं ला रहे हो जो मीडिया हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो ले आए वो मार्केट में बिका आप लोगों ने खरीदा और सिर्फ उसको पका लिया का मतलब है या फिर अगर मैं कह दू ये जो है, इसका मतलब है किसी पे डिपेंड होना ऑटो ना होना ठीक है सो हेटरो का मतलब क्या है नो ऑटो यानी कि ऑटो ना होना सेल्फ ना होना तो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाना अब ये जो हैट्रोट्रॉफिक है दे आर नॉट एबल टू सिंथिसाइज देयर ओन फूड ये खुद का खाना नहीं बना पा रहे इतना तो तो हमें समझ ही आ गया तभी तो दूसरों डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले तो क्या बोलेंगे हम इनडायरेक्टली का बेटा मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन खा रहे हैं ठीक है ठिके? और चिकन क्या खाते हैं वो अः चने है ना चने वगैरह खाते हैं ग्राम्स वगैरह तो वो जो ग्राम्स वगैरह है वो भी प्लांट का ही पार्ट है है ना तो क्योंकि हम चिकन खा रहे हैं और चिकन में एनर्जी जो आई वो उसी से आई तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली क्या खा रहे हैं कौन सा सोर्स खा रहे हैं एनर्जी का प्लांट्स का ही सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर न्यूट्रिशन ओके एंड देयर फॉर वी एंड एनिमल्स आर कंसीडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हेट्रोट्रॉफिक भी तीन तरीके की कैटेगरी में आ गए हैं यहां मैं आपको दिखाना चाहती हूं पहला है सेफ्रोट्रॉफिक बेटा बचपन में आप सब पढ़ चुके हो बस ये एक कह सकते हो कि काइंड ऑफ रिवीजन चल रहा है अभी वाला पार्ट आपके लिए सेप्रोट्रॉफिक ये जो बेटा सेप्रो है इसका मतलब होता है डेड एंड डीके जब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मान लो मुझ मैं ह्यूमन नहीं हूं मैं एक ऐसा प्राणी हूं सामने मैंने देखी कोई डेड बॉडी है ना डेड नॉट लिविंग ऐसा नहीं कि अभी उसमें सांस है नो no, एकदम डेड है पड़ी हुई है बंजारन सी और मैं अब उसकी बॉडी पे चिपक कर उसे खाए जा रहा हूं खाए जा रहा हूं खाए जा रहा हूं तो मेरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा ठीक है जिसमें आते हैं आपके फंगस और आपके आते हैं ब्रेड मोल्ड वगैरह आप फंगस कर सकते हो सिंपल तो मुझे क्या आया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आया आपका डेड एंड डीके मैटर खाने वाला ठीक है जिसमें आपका बैक्टीरिया वगैरह ये सब आते हैं फंगस वगैरह उसके बाद आता है पैरासिटिक बेटा पैरासिटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा सबसे पहले समझते हैं पैरासाइट क्या होता है कभी भी जब भी एक ऑर्गेनिज्म फॉर यहां से एक ऑर्गेनिज्म आया और मैं एक बॉडी हूं मेरे शरीर के अंदर अच्छा खासा खाना है मेरे अंदर सब कुछ है और वो मेरे शरीर पे आके चिपक गया और मेरे शरीर से लगातार चूसे जा रहा है मेरा खाना जो मैं खा रही हूं वो लगातार चूसे जा रहा है न्यूट्रिय तो क्या है वो वो क्या है वो एक पैरासाइट है और मैं क्या हूं एक होस्ट हूं ठीक है सो न्यूट्रिशन के लिए दो चीजें होती हैं एक है पैरासाइट और पैरासाइट किस पे चिपकेगा होस्ट की पे, तो होस्ट की बॉडी पे ठीक है तो हो जाएगा कोई भी एनिमल अदर एनिमल जैसे मैं भी हो सकती हूं और कोई शेर चीता लेपट वगैरह कुछ भी हो सकता है और कोई भी छोटा सा जानवर या कोई भी और अदर ऑर्गन ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर चिपक गया है वो होगा उसका पैरासाइट तो जैसे कि मैं बात करूं आ, आपके शरीर के अंदर है ना इंटेस्टाइन में रहता है टेप फॉर्म आप जब बड़े हो जाओगे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे टेप फॉम आपके इंटेस्टाइन से लगातार खाना लेता रहता है तो टेप फॉम क्या है पैरासाइट वेरी गुड और आप क्या हो उसके लिए होस्ट हो ठीक है सो ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं जो दूसरों से अपना वो ले रहे हैं खाना ले रहे हैं तो वो हो जाते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म अब हम बात करते हैं हम जैसो की यानी कि ह्यूमन बींग्स की जहां पर आप ऑर्गेनिज्म लाइक जहां पर आप अपना खाना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ इस तरीके से बनाते हो कि आपको सामने खाना मिल रहा है पौधे से और आपने सीधा उसे अंदर इंजस्ट कर लिया सो so, यहां पे क्या है ध्यान से पढ़ेंगे द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन टू द बॉडीज सो so, मैंने क्या करा पहले उसे इंजस्ट किया फिर उसे गलाया यानी तोड़ा डाइजेस्ट किया और उसके बाद अंदर यूटिलाइज किया और उसके बाद जो बचा था उसे बाहर फेंक दिया ठीक है सो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं तो मैम थोड़ा सा अच्छे से बताओ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है पिटाज होलोजो होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं जो गाथा लिखी हुई है उसके बाद मैं आपको तोड़कर बताऊंगी ये गाथा क्या है ठीक है सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है सबसे पहले देखेंगे फूड पास थ्रू द फाइव स्टेप्स ठीक है फूड जो है पांच स्टेप से जाता है सबसे पहला है इंजेशन तो इसको आइए समझते हैं जरा ठीक है तो इनसे मतलब भी समझ आ रहा है क्या इन साइड हा है ना इन साइड यानी शरीर के अंदर खाना जा रहा है तो फॉर एग्जाम्पल ठीक है जब भी आप खाना शरीर के अंदर लो एग्जाम्पल ये आपका फूड है प्यारा सा और जब भी ये अंदर चला जाए बॉडी के सिर्फ इतने स्टेप को सिर्फ इतने से स्टेप को इंजेक्शन बोलते हैं टेकिंग इन फूड सो इंजेक्शन क्या हो जाएगा इंजेक्शन अब मैम बात कर लो दूसरे की ठीक है बेटा ये तो पहला पॉइंट था दूसरे की बात करते हैं दूसरे में क्या लिखा हुआ है डाइजेशन आ जाओ जो हमें डिटेल में पढ़ना है जो हमें डिटेल में पढ़ना है ठीक है जो हमें डिटेल में पढ़ना है इंजेशन हम खाना लेना डाइजेशन सिर्फ अभी हल्का हल्का बता रही हूँ डाइजेशन उस जो खाना लिया है उसको तोड़ना जो खाना लिया है उसको तोड़ना तो ये जो खाना था हमारा ये जो खाना था हमारा इसको तोड़ना ठीक है मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ यानी कुछ इस तरीके से बना देना ठीक है स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देना और उसके बाद आता है आपका अभी छोटे पार्टिकल्स आसान हो गए आपके शरीर में जाने के लिए उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एसिमुलेशन क्या होता है आपको समझ नहीं आया होगा यूटिलाइजेशन ठीक है यूटिलाइज कर लेना और क्या, हो गया? E का मतलब क्या बेटा जैसे इन का मतलब इन साइड ई का मतलब एग्जिट तो ई e का मतलब क्या है एग्जिट कराना so, यानी खाने को आप बाहर यानी कि जो भी अनवांटेड या फिर आप कह सकते हो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भेज देना बॉडी के ठीक है आउट ऑफ बॉडी बॉडी के बाहर भेज देना उसको बोलते हैं इजेशन e किस, -किस को समझ आ है? अगर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो एक बढ़िया सी स्माइली कर दो और इस चैप्टर को इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से सुनते रहो मेरे साथ इस वीएमसी नीट के चैनल पर ठीक है अब आगे चलते हैं बेटा क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली इंजेशन की तो इंजेशन तो बड़ा सिंपल था मैडम खाना खाना ही इंजेशन है मैम डाइजेशन समझ नहीं आता क्योंकि शायद वो बहुत बड़ा सिस्टम है एक अपने आप में एक बहुत बेहतरू बेहतरीन सिस्टम है आपके शरीर में जो इस खाने को तोड़ने के लिए काम कर रहा है बहुत अच्छे से मैं बात करूंगी बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो खाना आपने इंजेस्ट किया है ये किस तरीके का हो सकता है ठीक है ये आपकी स्क्रीन आपको दिख रही है इस स्क्रीन पे क्या लिखा है अमाउंट रिक्वायर्ड ध्यान से पढ़ेंगे Based on the amount required, कितना जरूरी क्या है उस पर दो कैटेगरीज में खाने को या न्यूट्रिय को डिवाइड कर दिया खाने से क्या मिल रहा है न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे मेरे साथ बचपन में पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट यहां पे लिखवा दू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वेरी गुड फैट वेरी गुड फिर कुछ बच्चे विटामिन भी सोच रहे होंगे और उसके बाद मिनरल्स वेरी गुड ठीक है बिल्कुल सही समझा बेटा आपने यही सारे हैं क्या यही सारे हैं आपने जो बचपन में न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे जिनसे आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है ठीक है न्यूट्रिशन किस चीज के लिए चाहिए ग्रोथ डेवलपमेंट बॉडी बिल्डिंग ये वो है ना बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए होता है आपका सेल खराब हो गया तो जिंदगी भर थोड़ा ना खराब रहेगा उसको दोबारा बढ़ना है उसको दोबारा बनना है तो इन सब चीजों के लिए आपकी बॉडी में इन न्यूट्रिय का होना बहुत जरूरी है अब किसी बच्चे ने सवाल पूछा होगा किसी बहुत महान इंसान से कि सर क्या हमें सारी चीजें एक क्वांटिटी में चाहिए मतलब जितना मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्या उतना ही मुझे विटामिन चाहिए तो साइंटिस्ट ने सोचा कि मैं इस बच्चे को कैसे इजीली बताऊं तो देखो कैसे उस साइंटिस्ट ने बताया मैं आपको बताती हूं बेटा डिपेंडिंग ऑन कि कितना खाना आपके शरीर को चाहिए उस कैटेगरी में दो चीजें हैं एक एक कैटेगरी आई कि आपके शरीर में जो खुद से बन पाए पाए ध्यान से से सुनेंगे आपके शरीर में से शरीर में खुद बन यानी आपका भी तो कुछ काम कर रहा होगा ना एमी वेला थोड़ी ना बैठा है ठीक है तो आपका शरीर जब धीरे 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 कुछ बनाए तो क्या आपको उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी या उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी जो आपका शरीर नहीं बना पा रहा जल्दी बोलेंगे सभी बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से वेरी गुड अगर आपने ये सोच लिया कि वो पार्ट जो आपका शरीर नहीं बना पा रहा वही एक्चुअली में ज्यादा चाहिए तो आप बहुत बढ़िया बच्चे ठीक है और जो नहीं सोच पाए कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके साथ हूं ठीक है सो so, हमें क्या समझना है कि भाई साहब आप अगर किसी चीज को नहीं बना पा रहे तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा पड़ेगी और जो बन रही है यार वो तो बनी रही है ना उसकी रिक्वायरमेंट तो कम अमाउंट में भी चलेगी सो डिपेंडिंग ऑन दिस कैटेगरी क्लासीफ द कैटेगरीज जो आपके सामने दिख रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिय यहाँ पे है और अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगी माइक्रो न्यूट्रिय सो फॉलोज मैक्रो एंड से समझ आ रहा है मैक्रो वो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो जो चीज मुझे ज्यादा चाहिए क्या मेरा शरीर बना रहा होगा हाँ ये ना बोलो ना है ना क्योंकि मैं तो बाहर से उसे ज्यादा लेना चाहती हूँ तो बेटा मैक्रो न्यूट्रिय में बढ़िया सी पिक्चर देखो क्या क्या आ रहा है क्या क्या आ रहा है जरा देखेंगे सभी बच्चे क्या रहे? आ रहा है हमारे कार्बोहाइड्रेट भैया है ना कार्बोहाइड्रेट फिर क्या आ रहा है प्रोटीन आ रहा है और क्या आ रहा है फैट आ रहा है क्योंकि मैं यहां पे इन सब चीज की बात कर रही हूं तो थो, थोड़ी सी बात कर रही हूं तो क्या आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है आपको कहीं ना कहीं एनर्जी देने के लिए सो so, मैं यहीं पे आपको ये चीज समझा देती हूं कि कार्बोहाइड्रेट से कहीं ना कहीं हमें मिलती है एनर्जी ठीक है कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रही है एनर्जी मिल रही है उसके बाद प्रोटीन आपको किस चीज में हेल्प कर रहा है बॉडी बिल्डिंग में यानी आपकी मसल्स वगैरह बढ़ाना है ना बॉडी बिल्डिंग यानी आपकी मसल्स वगैरह बढ़ाना और ये सारी चीजों में प्रोटीन और फैट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देता है इवन मोर देन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एनर्जी देता है बट डिपेंड कि आप कैसा फैट खा रहे हो अच्छा फैट खा रहे हो गुड फैट्स खा रहे हो या बैड फैट्स खा रहे हो वो आप बहुत बड़े हो, जब हो जाओगे तब तो आपको समझ आएगा अनसेचुरेटेड तो फैट्स में भी आपको कहीं ना कहीं एनर्जी आप मिल सकते हैं बात समझ आ गई बढ़िया लग रही है बात तो ये मैंने आपको कहा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं कार्बो प्रोटीन्स एंड फैट्स बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है तो यहाँ पे अच्छा डेफिनेशन भी लिखी, लिख कर लाई हूं तो देखी लो है ना माइक्रोन्यूट्रिय क्या है दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी नाम से ही समझ आ रहा है दीज आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ इज करके प्रोटीन को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करके मैं बाकी सारी चीजें बना सकती हूं जो जरूरी है जैसे आपको पता होगा बहुत ज्यादा एक शब्द सुनते हो एंजाइम्स एंजाइम्स एनजाइम्स हॉर्मोन हॉर्मोन आपको पता है आपके ज्यादातर एंजाइम नॉट ऑल बट ज्यादातर एंजाइम्स आपके किस से बने है? हुए हैं प्रोटीन से

Required in in the so Yes, these These are are by the body in less or minute quantities. very good. These are involved in regulation of metabolism जाके पढ़ लेना. तो इसमें क्या क्या कैटेगरी आ रही है Vitamin एंड minerals यहां देखेंगे सभी ठीक है यहां देखेंगे सभी यहाँ पे मिनरल्स भी आ रहे हैं और आपको वाइटामिन भी देखने को मिल रहे हैं सो so, मिनरल्स भी आपको बहुत सारी तरीके के मिल सकते हैं वाइटामिन बी वाइटामिन के बी है ना ये सारी चीजें आप पढ़ते हो है ना वाइटामिन ए वाइटामिन बी वाइटामिन के वाइटामिन सी ये बहुत सारे टाइप के वाइटामिन जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है अगर नहीं होंगे तो कुछ और हो जाएगा कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी है ना वाइटामिन डी है ना वाइटामिन डी नहीं मिला तो आपकी बोन्स जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी इसी तरीके से आपको बहुत दिक्कत होती है इसलिए आपको बोलते हैं गाजर खाओ वाइटामिन सी मिलेगा आप ये खाओ आपको ये मिलेगा है ना सो फ्रॉम डिफरेंट फूड्स वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स एंड आपको वाइटमिन मिल रहे हैं अब आगे चल रहे हैं हम बेटा आगे आप देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड यानी मैंने आपको बताया था सबसे पहले न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिशन में पढ़ रहे हैं कि, कि किस प्रकार का खाना चाहिए द टाइप ऑफ फूड वी नीड एंड द टाइप ऑफ फूड एंड द टाइप ऑफ वे वी आर टेकिंग दूड एंड उसके बाद हम कैसे उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं सो so, कुछ इस तरीके से आपके एनसीआर टी के लिए कुछ डायग्राम है एनसीआर टी में नहीं है बट एनसीआर में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं सो so, उनको समझाने के लिए मैं ये कुछ डायग्राम्स लेकर आई थी सबसे पहले अगर हम देख ले जैसे हनी भी है ना प्यारी सी मधुमक्खी तो क्या है ये क्या करती है सक करती है नेट्टर को है ना तो ये वही डायग्राम है जहां पे आपकी जो हनी भी है वो नेक्टर को सक कर रही है सो so, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये हनी भी है जो नेक्टर को सक कर रही है तो ये अपना खाना कैसे ले रही है बाय सकिंग द नेक्टर फिर आप देखेंगे कि आपको एक छोटी सी गाय दिख रही होगी है ना एक छोटा सा काफ दिख रहा होगा इसको कुछ लोग गग्गा बोलते हैं मेरे को बहुत मजा आता है शब्द को बोलने में है ना ये जो छोटू सा गग्गा है ये अपना जो अपना जो न्यूट्रिशन ले रहा है ये कैसे ले रहा है अपनी मदर से मिल्क को सक करके सो बाय सकिंग मिल्क फ्रॉम द मदर उसके बाद आप अगर देखेंगे जैसे ये स्नेक है या पाइथन है तो पाइथन क्या कर रहा है बड़े बड़े जानवरों को जिसको ये खाना चाहता है ये उसको पूरा का पूरा निगल रहा है एनगल्फ कर रहा है क्या कर रहा है एनगल्फ कर रहा है है ना इट इज एनगल्फिंग इट्स एनगल्फिंग इट्स प्रे प्रे क्या होता है वो जीव जिस पे आप अटैक कर रहे हो जिसको आप खाना चाह रहे हो उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हो कुछ जो एक्वाटिक होते हैं बेटा ये बेटा आपकी एनसीआरटी पढ़ रही हूं और कुछ नहीं कुछ ऑर्गेनिजम जो एक्वेटिक होते हैं वो क्या काम करते हैं वो फिल्टर फीडर्स की तरह काम करते हैं जहां पे वो बहुत छोटी छोटी, छोटी चीजों को जो आपके पानी में रहते हैं उनको खाते चलते हैं ठीक है हो सकता है वो पानी के लिए अच्छे ना हो पर इनके लिए अच्छे है वो सो so, ये बढ़िया तरीके से उनको खाते हैं सो so, इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स आर यूजिंग देयर ऑफ देयर फूड ओके सो आर दे ऑल ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिकोट्रॉफिक बिकॉज दिस और दैट वे दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बढ़िया चल रहा है भाई यहां तक समझ आ रहा है सभी बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रही क्योंकि अभी मेरी आपसे लाइव बातें तो नहीं हो रही हैं बट मैं आपको फील कर सकती हूँ कि बहुत बढ़िया बंच ऑफ स्टूडेंट बहुत एक अच्छा और प्यारा कंसंट्रेट करने वाला बच्चा मुझे ये सुन रहा होगा बिहाइंड द कैमरा और कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ बेटा आपसे बस ध्यान से सुनो और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक ऐसे एस्पायरेंट हो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम निकालना पड़ेगा जहां पर आपको क्वेश्चन नीट बेस्ड मिलेंगे सो so, मैं जो भी कंटेंट लाई बच्चों वो नीट बेस्ड है बिल्कुल और आपको नीट की जो किताबों के पेजेस एकदम निचोड़ के मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा आपको बस फिर एक बार बुक पढ़नी है और आपका हो गया ठीक है सो so, अब हम चलते हैं डाइजेशन की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर को शुरू करने का इनिशिएटिव लेने का इस चैप्टर का वो था डाइजेशन सो so, भाइयों और बहनों मैं जब भी डाइजेशन समझाती हूँ मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं बच्चों को ये बता सकूंगा सिंपल शब्दों में कि डाइजेशन है क्या मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहती हूँ अगर जगह होगी यहाँ पे तो ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं जरा एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम देखो दिस इज फूड मैं फूड की आंख नाक मुंह बनाना चाहती हूं बट आप समझ जाओ ये एक फूड है ठीक है ये जो फूड है ये बहुत बड़ा फूड है और इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा सिंपल फूड में ठीक है यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है ठीक है और मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा सिंपलेस्ट फूड में या सिंपलर फूड में क्यों क्योंकि मेरा शरीर यह कहता है कि भाई मुझे सिंपल चीजें दो ना आप पूरा का पूरा खाना एक साथ दे रहे हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा मैं उसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाऊंगा इजेशन तो बात की बात है सही बात है ना तो हमने कहा कि ठीक है हम इसको करवाने के लिए हम डाइजेशन नाम की चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर में टूट जाए अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कॉम्प्लेक्स आप किस चीज को कह रहे हो क्या रोटी के टुकड़े कॉम्प्लेक्स कह रहे हो या किस चीज को कह रहे हो तो बेटा ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि रोटी का टुकड़ा बड़ा है तो ठीक है वो टूट जाएगा बात समझ आ रही है बट रोटी के टुकड़े के साइज की बात और उस रोटी के टुकड़े को तो तोड़ने के लिए को तो डाइजेशन नहीं कहते नहीं तो रोटी का टुकड़ा तो आप मुंह में ही सारा तोड़ देते हो तो क्या कंप्लीट डाइजेशन माउथ में हो गया नो राइट right? तो क्या है मैम डाइजेशन किस खेत की मूली है ये डाइजेशन आज हम देखते हैं बेटा एक और चीज मैं समझाना चाहती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे यहां मिल रही है तो मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूंगी देखो डाइजेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल ले रही हूँ ठीक है so, सो कार्बोहाइड्रेट जो है मैं अगर उसे देखू तो वो इस तरीके की बहुत लंबी लंबी चेन से बना हुआ है मैम ये क्या चेन है बेटा मान लो शुगर अब क्या ये खाने वाली शुगर है नो no. जैसे आपने सुना होगा नाम ग्लूकोज है ना सो so आप मान लो बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स लगी हुई हैं। सो मैं इस तरीके से चलो अच्छा तो मैं इस तरीके से ग्लूकोज मान रही हूं मान लो मान लो ये एक ग्लूकोज है ठीक है और इसी तरीके से मल्टीपल ग्लूकोज है ये सारे बहुत सारे ये ग्लूकोज की चेन है ठीक है ये क्या है चेन ऑफ ग्लूकोज एग्जाम्पल तो ये जो पूरी चेन है इसको मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रही हूं इसको मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रही हूं तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा तो यानी ये क्या हो गया ये हो गया कॉम्प्लेक्स ये क्या हो गया अच्छा अच्छा मेरे हाथ लग जाता है ना इस पर बार बार ये हो गया कॉम्प्लेक्स और मुझे इसे सिंपलर में तोड़ना है तो इस कैसे तोड़ूंगी मैं किसी एंजाइम हाँ का इस्तेमाल करके हा या ना एंजाइम का इस्तेमाल करके बेटा आपके शरीर में एंजाइम हथोड़े की तरह काम करते हैं यह अब आपको पता होना चाहिए आपके शरीर में एंजाइम्स हथोड़े की तरह काम कर रहे हैं खाने की बड़ी बड़ी चेन को छोटी छोटी चेन में तोड़ रहे हैं यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट कर रहे हैं कौन एंजाइम्स सो चेन्स को सिंपलर में तोड़ देना ये क्या है सिंपल शुगर बोल लो या ग्लूकोज यूनिट बोल लो कुछ भी बोल लो कुछ भी बोलो तो शुगर की चेन हो गई कार्बोहाइड्रेट शुगर और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा शुगर मिलेगा शुगर है ना वो मोतियों की माला मोतियों से जड़ गई ये मान लो ये आप अभी इसको क्या कह रहे हो माला बोल रहे हो मान लो ठीक है और मैं जब इसे तोड़ दू तोड़ दू तो ये क्या हो जाएगा अकेले मोती हो जाएंगे है ना मोती So, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये बहुत लंबी लंबी चेन है इसी को कॉम्प्लेक्स फूड बोला जाता है जिसको आप पढ़ते हो जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है ना ये सब लेकिन आप जब सिंपल सिंपल में तोड़ोगे तो इनकी यूनिट्स मिलेंगी इनकी यूनिट्स मिलेंगी तो मैं आपको अभी सिखा देती हूं कि कौन सी चेन किसकी है ताकि आपको समझ आ जाए कार्बोहाइड्रेट का मैंने बता दिया आपको शुगर मिलेगा बट फिर भी मैं अच्छे से बता देती हूँ आपको यहाँ पे यहाँ पे सुनेंगे सब तो सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के नाम ले रही हूँ तो तो कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा यानी माला को तोड़ रहे हो तो मोती मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हो तो शुगर मिलेगा शुगर के अलग अलग नाम है जैसे पिंक मोती व्हाइट मोती ग्रीन मोती वैसे ही शुगर भी डिफरेंट डिफरेंट नाम की होंगी माल्टोज ये वो है ना आगे जाके पढ़ेंगे उसके बाद आप पढ़ रहे हो प्रोटीन तो प्रोटीन किस में टूटता है अमाइनो एसिड्स में किस में अमाइनो एसिड्स में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना उसके बाद आप थर्ड पे बात करते हो फैट्स की जिनको आप लिपिड्स के नाम से भी जानते हो जिनको आप लिपिड्स के नाम से भी जानते हो और ये टूटते हैं दो चीजों में यानी इनकी जो माला है या इनकी जो मोती है अच्छा ये हटते इनका जो मोती है वो दो चीजों से बन, मिलकर बना है क्या हटो भाई फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल दिख रहे दिख रहे सो so, फैट्स को या लिपिड्स को तोड़ोगे तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलेगा प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमाइनो एसिड कार्ब को तोड़ोगे तो शुगर शुगर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स दिस इज एक्चुअली वॉट डाइजेशन इज दिस इज वॉट एक्चुअली मीन्स कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में तोड़ देना समझ आया सो so, कभी भी आप खाने के टुकड़े की बात नहीं करोगे कि बड़ा सा टुकड़ा था और उसे छोटे में तोड़ गए नो यार फिर तो मुंह में डाइजेशन खत्म हो जाता ना फिर तो दांतों ने कर दिया था सारा डाइजेशन फिर आपके पूरे के पूरे आंतों की क्या जरूरत थी आपके स्टमक की क्या जरूरत थी आपके इंटेस्टाइन की क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी तो जरूरत क्या है वो इस चीज की है कि हमें एंजाइम्स चाहिए और एंजाइम्स कहां कहां से मिल रहे हैं हमारे ईसोफिगर से मतलब सॉरी हमारे पेट से मिलेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन अब आपको सोच रहे हो गया मैम आपको याद है ये कि पहले ईसोफेगस आता है फिर स्टमक हमें तो याद नहीं है हमें कराओ तो बेटा चलते हैं इस जर्नी पे बिल्कुल याद करेंगे बट उससे पहले आप समझ लो इससे पहले वाली एक स्लाइड थी ना उसे भी देखेंगे हम डाइजेशन सो so, डाइजेशन क्या है एक सॉरी एक मकैनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन है मकैनिकल एंड केमिकल यानी कि पहले रोटी का टुकड़ा खाया इतना बड़ा था आपने दांतों से इसे चबाया तो आपको क्या लगता है दांतों से चबाना क्या केमिकल प्रोसेस है या मैकेनिकल मैकेनिकल मतलब जहां पे कोई एंजाइम का काम नहीं है ताकत लग रही है बिल्कुल मैकेनिकल है है ना सो यानी कि आपने खाने को तोड़ना है तो सबसे पहले आप मकेनिकली भी उसे तोड़ रहे हो और उसके बाद जब वो आपके पेट वगैरह में जाएगा तो आप कैसे तोड़ोगे एंजाइम्स की मदद से तो यानी कि आप उसे केमिकली भी तोड़ रहे हो सो डाइजेशन इज नॉट ओनली अबाउट केमिकल ब्रेकडाउन नो नेवर इट इज मोर और लेस ऑलवेज अबाउट मकैनिकल प्लस केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बात समझ आई सो भी खाना टूट रहा है कैसे आपके पेट, आपके पेट सॉरी माउथ माउथ ने माँथ के अंदर दांत थे उसने ऐसे ऐसे करके मसल के छोटा कर दिया उसके बाद आप जब पेट में जाओगे ना जब खाना पेट में जाएगा तो पेट में भी कुछ मसल्स हैं जो खाने को ऐसे एकदम चूरम चूर कर देते हैं तो वो सब है मैकेनिकल डाइजेशन अब बात करते हैं हम केमिकल डाइजेशन की तो हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन डिटेल में क्या है सो so, ये कुछ मैं फोटोग्राफ्स लाई थी यहाँ पे क्या है फिजिकल उन यहां देख रहे हो एक कुछ पिज्जा जैसा था वो इस तरीके से टूट गया तो ये मैकेनिकल है बट आप किसी चेन को तोड़ दो ये एक लंबी चौड़ी सी चेन थी और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसको जब आप तोड़ दो कौन तोड़ेगा इसे एंजाइम्स तोड़ेगा ठीक है सो केमिकल एंड मैकेनिकल तो केमिकल में आपके ये सब क्या है ये आप नाम पढ़ोगे ये सब एंजाइम्स हैं और कैसे तोड़ सकते हो मैकेनिकल से बाइटिंग ऐसे चबाके फिर एकदम अच्छे से रगड़ के उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन कहां हो रही है कॉन्ट्रैक्शन पेट में है ना पेट एकदम उसको ऐसे मरोड़ देगा और उसके बाद पेरिस्टालसिस देखते हैं पेरिस्टालसिस है? आप पढ़ोगे ठीक है आगे चलते हैं बात करेंगे ओके सो यहां पे क्या लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम एक कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स फूड का मैम आप बता चुके हो इनटू सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म यानी सिंपलर फॉर्म जो इजीली एब्सॉर्ब करी जा सके उसके बाद कहा हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है और इसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है बहुत अच्छे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें हैं पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटिव ग्लैंड अब ये क्या बला है वो मैं आपको समझाती हूँ बेटा इधर आ जाओ ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भैया ज्यादा कुछ नया नहीं है तो इसको समझाने के लिए ना सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ सिस्टम क्या होता है ठीक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आपको जानना जरूरी है सिस्टम hmm. का मतलब होता है वेन मोर देन वन ऑर्गन इज को तोड़ने की तो ये फंक्शन हुआ है ना ये मैं लिख देती हूँ पूरा मोर देन वन ऑर्गन इज इन्वॉल्व टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन वन स्पेसिफिक फंक्शन ठीक है फंक्शन अब ध्यान से इस डेफिनेशन को तोड़ते हैं खाने की तरह मतलब क्या है मोर देन वन ऑर्गन इज इन्वॉल्व ठीक है टू परफॉर्म वन फंक्शन वन फंक्शन क्या है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फंक्शन क्या हुआ डाइजेस्ट डाइजेशन ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है आओ जरा देखते हैं सबसे पहले इन्वॉल्व ऑर्गन है माउथ ठीक है माउथ के बाद आपके कुछ ग्लैंड्स आते हैं क्योंकि अगर आप ये देखोगे यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया है यहाँ पे बताया एलिमेंट्री कैनाल आएगी और एसोसिएटेड ग्लैंड आएंगे यानी आसपास के लगे हुए ग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व हैं ठीक है सो सबसे पहले माउथ की बात करते हैं उसके बाद ईसोफेगस एक पाइप आता है ईसोफेगस तो क्या मैं ये मार्क करती चलू ये देखो जैसे ये माउथ है ठीक है फिर ये लंबा सा पाइप ईसोफेगस दिख रहा है आपको उसके बाद ईसोफेगस के बाद आता है आपका ये ये दिख रहा है ये 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 आपका स्टमक है ठीक है सो मैं यहां बता रही हूं ईसोफेगस और उसके बाद कुछ इस तरीके का आपका स्टमक आता है ठीक है स्टमक के बाद क्या आएगा आपका इंटेस्टाइन यहां पे देखो ये कुछ इस तरीके से है आड़ा तेढ़ा आपका एक इंटेस्टाइन होगा इसको ना इस तरीके से बनाते हैं रुको जरा थोड़ा अच्छे से बनाते हैं वैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बट फिर भी ठीक है ये इस तरीके का स्टमक है दिख रहा है स्टमक के बाद ये स्टमक का पाइप इस तरीके से मुड़ जाता है मान लो ये मुड़ गया ठीक है मुड़ गया उसके बाद ये जुड़ जाता है एक इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये रहा ये रहा। और फिर ये इस तरीके से दिख रहा है मुझे शेड करना ज्यादा पसंद है तो सुनेंगे सब वेट करेंगे मेरे शेड करने का ठीक है ऐसा नहीं है मैं आपको समझाने के लिए शेड कर रही हूं बेटा ये कुछ स्ट्रक्चर है जो यहां से मैं रिलेट करूंगी आपको यहां पे इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ ध्यान से सुनेंगे स्टमक है यहां पे आपको दिख रहा है ये स्टमक है तो थर्ड ऑर्गन क्या हो गया स्टमक उसके बाद अभी आप पेनक्रियास को छोड़ दो जो जो तो छोड़ना है मैं आपको डब्बे में बना रही हूं ठीक है पेनक्रियास को छोड़ दो लिवर को छोड़ दो गोल्ड ब्लैडर को छोड़ दो इन सबको छोड़ दो उसके बाद स्टमक के बाद आ जाता है आपका इंटेस्टाइन तो सबसे पहले आड़ा टेढ़ा क्या है यहां दिख रहा है ये रेड कलर का क्या है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन तो फोर्थ पे मैं डाल रही हूं स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद ये बड़ा से दिख रहा है स्ट्रक्चर ये 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 पीला सा स्ट्रक्चर जो यहां पे बना हुआ है ठीक है अंडू कर देती ताकि अब अब आपको देख पाए ये वाला स्ट्रक्चर ये ये पूरा है लार्ज इंटेस्टाइन क्या है तो फिफ्थ नंबर पे डाल दो लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन को यहां देखो यहां जो मैंने बनाया यहां देखो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में खुल रहा है जिसको बोलते हैं क्या रेक्टम क्या बोलते हैं रेक्टम तो रेक्टम क्या हो गया मान लो इसे छठे नंबर पे ठीक है रेक्टम बेसिकली जब आप खाना खा लेते हो जब खाना पच जाता है और जो नहीं पच पाता वो खाना आपके एक जगह जाके स्टोर हो जाता है है ना तो वो जहां स्टोर होता है उसी को बोलते हैं रेक्टम उसके बाद एनएस एनएस क्या है ओपनिंग है एनएस क्या है ओपनिंग जहां से आप उसको डेफिकेट करोगे यानी कि बॉडी से बाहर निकालोगे उस अनडाइजेस्टेड फूड को यानी कि वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने को तो ये है रेक्टम और ये होल है एन समझ आ गया ये होल है एन तो यही मैं आपको समझा रही थी कि रेक्टम और एन क्या है तो ये पूरा पार्ट ऑल द ऑर्गन्स व्हिच आई हैव लेबल्ड हियर आर इंक्लूडेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दे ऑल आर परफॉर्मिंग द कोऑर्डिनेटेड फंक्शन टू परफॉर्म ओनली वन टू सॉरी टू गिव ओनली वन आउटकम दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड सो so, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अब जो मैम आपने डब्बे में डाल दिए वो क्या है बेटा याद है आपको आपको इससे स्लाइड में मैं आपको बार बार बता रही हूं क्या था एसोसिएटेड यानी कि जब आपके ऑर्गन अधूरे पड़ जाए और वो अपने जो काम करना है वो पूरी तरीके से ना कर पाए काम क्या करना है डाइजेशन पर उन्हें काम करने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है तो जो एसोसिएट करें उनको डाइजेशन में उन्हें बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड क्या वो पूरे पूरे ऑर्गन है नो दे आर ग्लैंड क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम्स क्या कर रहे हैं सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम्स सो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में मिलेंगे लिवर एंड गॉल ब्लैडर आपको स्टमक के पास मिलने वाला है और पेनक्रियास भी आपको स्टमक के पास ही मिलने वाला है ठीक है आगे इनके फंक्शंस पढ़ेंगे सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउथ जिसको हम बकल कैविटी भी बोल सकते हैं आप इस तरीके से स्ट्रक्चर देखो हंसना मत ठीक है ठीक है तो अब ये जो माउथ है ये इस तरीके से इसकी ओपनिंग जाएगी यहां से एक नोज की ओपनिंग गई है ठीक है सो so ये जो पूरी कैविटी है ठीक है ये जो खाली जगह है ये जो कैविटी है इसी को बोलते हैं बेटा बकल बकल मतलब, मतलब होता है खाली जगह कैविटी का मतलब क्या होता है खाली जगह दिख रही है एक तो पैलेट है ऊपर तलवा जिसको बोलते हो टच करो टंग से ऊपर इसको बोलते हैं पैलेट ठीक है आगे की तरफ हार्ड है इधर की तरफ फिंगर भी डाल यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आगे की तरफ थोड़ा हार्ड है जब पीछे की तरफ जाओगे इस तरीके से टंग यूज करो अपनी पीछे लगाने के लिए वहां सॉफ्ट है सो so, जो पैलेट है वो आपको क्या है एंटीरियर साइड है उसका आगे की तरफ वो क्या है हार्ड और पोस्टीरियर साइड है पीछे की तरफ जो है वो क्या है सॉफ्ट पैलेट ठीक है उसके बाद आपको बकल कैविटी में और क्या लगा हुआ मिल रहा है दांत ठीक है योर टीथ एंड और उसके बाद क्या मिल रहा है अगर आपने ज्यादा बोला तो क्या कर सकती है आपकी खाने दिखाते समय जब अगर ज्यादा बोला तो क्या खाना तो फंस जाएगा बट और क्या कर सकती है टंग सो so, आपकी टीथ और टंग भी मिल रहे हैं कहां पे बकल में तो आइए चलते हैं बात करते हैं टंग की सो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये टंग है ठीक है तो मैम ये क्या आपने रंग बिरंगे यहां पे दिखा रखे मैं आपको ये दिखा रही हूं बेटा जो किसी की भी टंग होती है ना वहां पे यानी कि टंग पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग जगह पे रिसेप्टर्स होते हैं और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये अलग अलग खाने को आपके ना बुक में जब आप पढ़ोगे तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा है कि आप टूथपिक से मतलब बच्चे की आंख बंद कर दो टूथपिक से अलग अलग एरियाज में लगाओ और उससे पूछो कैसा खाना लगा सो उसको दिखाने के लिए मैं ये स्लाइड लाई हूँ जब आप आगे की तरफ खाने को टच करोगे या कोई भी चीज को टच करोगे तो आपको टेस्ट आएगा स्वीटर जब आप साइड में करते हो तो सॉल्टी और जब और पीछे करते हो तो सार और लास्ट में बिटर यानी आपको बिटर फूड जो है वो उसके रिसेप्टर्स पीछे की तरफ है तो खाने को बिल्कुल टिप पे हल्की देर के लिए लगाओगे तो आपको कड़वा महसूस नहीं होगा बट जब आप पूरी तरह फैला लोगे तो पीछे वाला जो है वहां के जो रिसेप्टर्स हैं वो फील कराते हैं कि खाना कड़वा है सो so यहां मैं आपको बताना चाहती हूँ द हैज टंग हैज यहाँ पे लिखा भी है कि सेंसरी फंक्शन है एंड वाई बिकॉज इट हैज सेंसरी इट सेंसरी Has ये हो गया आप. होते हैं और आगे जाके भी पढ़ोगे अच्छा, क्योंकि मैं टंग पढ़ा रही हूँ तो एक शब्द में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपकी टेंथ क्लास में नहीं है बट आप जाओगे आगे इलेवंथ क्लास में तो पढ़ोगे टंग अटैच होती है ऐसे करो ऊपर की तरफ जब टंग करोगे तो यहां पर एक डंडा होता है जो उसे अटैच करता है सो फॉर एग्जाम्पल ये ये टंग है ठीक है नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे कुछ अटैचमेंट क्रिएट होता है ये अगर मान लो माउथ की ओपनिंग है ठीक है सो ये जो है ये जो अटैचमेंट है इसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम क्या बोलते हैं फ्रेन्यूलम क्या बोलते हैं फ्रेन्यूलम ठीक है फ्रे ये टंग को अटैच कराता है आपकी बक, मतलब माउथ से बात समझ आ गई सो टंग जो है इट इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये एक मसल है कोई तुमसे पूछ ले स्ट्रांगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है ना तो बचपन में काफी इधर उधर के आप एग्जाम देते रहते हो ओलंपियाड या ये वो तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी इज टंग दैट ऑक्यूपाइज द फ्लोर

काबू में है यानी कि आपके कंट्रोल में है क्या है आपके कंट्रोल में अच्छी खासी तरीके से है कुछ लोग कहेंगे मैम हमारे कंट्रोल में नहीं है हम बहुत बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं बेटा आपके कंट्रोल में है ये और होनी चाहिए होनी भी चाहिए सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पार्ट विच इज फाउंड इन योर बॉडी दैट इज फाउंड इन योर बकल कैविटी दैट इज टीथ बेटे दांत को पढ़ने के लिए बहुत बचपन में आपको एक यू नो डायग्राम दिया होता था कुछ इस तरीके से इस तरीके से है ना आपको इस तरीके से कोई डायग्राम दिया होता था और ये बताते थे कि ये जो बाहर वाला सफेद वाला पार्ट दिख रहा है ये जो जिसको आप एक्चुअली में टीथ कहते हो है इनेमल क्या है इनेमल. इसी के अंदर फिर यहाँ पे इस तरीके से होता है एक और पार्ट जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन क्या बोलते हैं डेंटाइन तो मैं डेंटाइन तो नहीं बताऊंगी बट बत आपको सिर्फ इतना बताऊंगी ये जो बाहर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो आपको व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है आपका इनेमल और दिस इज वॉट बेटा दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इनेमल के अंदर होता है डेंटाइन आप जब ग्यारहवीं कक्षा में जाएंगे आप जब इलेवेंथ क्लास में मूव ऑन होंगे यू वुड गेट टू नो अबाउट डेंटाइन एज वेल जिसको आइवरी कहते हैं हम लोग सो नॉट इन यू नो

थीको थीका का मतलब होता है बेसिकली थीका का मतलब ऐसे लेयर होता है बट अगर आप देखो थीको डोंट तो यानी कि ये किसी जड़ में लगे हुए हैं अगर मैं इसको मैच द तो फॉलोइंग की फॉर्म में करूं ना तो सिंपल ये देखो थीको डोंट के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है जहां भी आपको दिख रहा होगा कि आपके जो टीथ हैं वो जड़ तक अंदर यानी कि वो एक सॉकेट में फिक्स है किसमें फिक्स है सॉकेट में फिक्स्ड है फिक्स्ड इन सॉकेट उसके बाद मैंने आपको बताया हेट्रोडोंट है आपके दांत ह्यूमन के हेट्रोडोंट का मतलब है कि आपके जो टीथ हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं या फिर टाइप्स के हैं डिफरेंट शेप तो यहां पे आप हेट्रोडोंट की फोटो देख पा रहे होंगे सबसे आगे वाले जो लगे हुए हैं जिससे आप बाइट करते हो किटकैट तोड़ते ना तो वो है आपके इंसीजर ये इस तरीके से फ्लैट होते हैं बेटा उसके बाद आप देखते हो कि वेम्पायर कुछ लोगों के दांत बिल्कुल वेम्पायर जैसे होते हैं है, है ना इधर इधर वाले तो वो जो वेम्पायर जैसे दांत होते हैं वो न बोलते हैं हम केनाइन क्या बोलते हैं केनाइन और सबसे पहले वालों को क्या बोलते थे इनसेजर क्या बोलते थे इनसेजर सो इनसीजर क्या कर रहे हैं बाइटिंग क्या कर रहे हैं यहां देखो ये क्या कर रहे हैं बाइटिंग ऑफ टीथ और फूड उसके बाद कैनाइंग क्या कर रहे हैं मुझे जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको ऐसे खाना एकदम चीरना पड़ता है या फिर जो लोग रोटी हार्ड है तो उसको चीरना पड़ता है सो चीरने के लिए यानी कि टेयरिंग के लिए टेयरिंग ऑफ फूड के लिए मुझे जरूरत पड़ती है मेरे केनाइंस की फिर प्री मोलार्स एंड मोलर्स आप अगर देखोगे तो दोनों लगभग एक ही शक्ल के हैं बस ये फर्क है कि आपका जो मोलार है वो ज्यादा चौड़ा है मोलार जो है वो ज्यादा चौड़ा है तो ये पीछे के दांत हैं सो so, बेटा प्री मोलार एंड मोलार दोनों मिलकर क्या करते हैं आप कह सकते हो क्रशिंग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या करते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए जरूरी है हमारे प्री मोलार्स एंड मोलर्स बहुत बढ़िया यहां तक समझ आ रहा है उसके बाद आप देखोगे जब एक बच्चे के दांत होते हैं बच्चे के दांतों में और बड़ों के दांतों में क्या फर्क है बेटा क्या बच्चों के पास सारे दांत हम कहते हैं बत्तीसी मत दिखाओ तो बत्तीस क्या है दैट 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 इंडिकेट्स यू यू पीपल पीपल आर हैविंग टीथ मतलब मतलब अगर एक नॉर्मल अडल्ट की बात करते हैं तो उसके पास थर्टी टू टीथ है इफ आई स्पेस स्पेसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पे डाइजेशन लिखा है डाइजेशन में समझाऊंगी लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा टीथ का समझो मैं टीथ के डेंटिशन की बात कर रही हूँ के को समझने के लिए मैं दो कैटेगरी तो दो कैटेगरी चाइल्ड की कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ एक मैं अडल्ट की कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ बात समझ आ रही है तो चाइल्ड की कैटेगरी में जब हम समझते हैं तो हमें समझना पड़ेगा इनके पास क्या क्या होगा इंसेजर्स ठीक है अच्छा ये मैं कैसे बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ये दांत का ऊपर वाला जौ है ये ऊपर वाला जौ है इसको आधे भाग में तोड़ दो और ये नीचे वाला जो है इसको भी आधे भाग में तोड़ दो तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूंगी मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूंगी ठीक है सिर्फ इतने पोर्शन की बाकी आप मल्टीप्लाई बाय टू कर लेना आपको समझ आ जाएगा बात समझ आई सो चाइल्ड में इंसीजर्स मिलते हैं उसके बाद क्या मिलेंगे कैनाइंस उसके पहले लिख लेते हैं इनसिजर्स केनाइन प्रीमोलर मोलर फिर उसके बाद इनसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर यहां पे भी लिख लेते हैं इनसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर इनसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर ये लिख लेते हैं अब इनके नंबर लिखते हैं इनसिजर्स इनसिजर incisor कितने मिलते हैं आपके इधर वाले हिस्से में सिर्फ दो ये दो आगे के दो दांत ठीक है उसके बाद केनाइन कितना मिल रहा है वन ठीक है नीचे के भी लिख लेते हैं यहां पे भी दो मिलेंगे ये रे दो और ऐसे तीखे वाले एक एक सो so, यहाँ पे टू वन आपको पता है प्री मोलार्स बच्चों में नहीं होते दे आर एबसेंट सो जीरो नहीं होते मोलार मोलार की बात कर रहे हैं यानी पीछे वाले दांतों की जो क्रश कर देते हैं वो कितने होते हैं दो तीन नहीं होते दो होते हैं ये लो भाई लिख दिया तो इनका डेंटिशन फॉर्मूला क्या हो गया चाइल्ड का टू वन जीरो टू बाई टू वन जीरो टू और इधर के निकालने होंगे तो मल्टीप्लाई बाय टू कर देना ठीक है ऊपर का आधा और नीचे का आधा उसके बाद हम जब बड़ों की बात करते हैं तो यहां पे मैं नंबर देना चाहती हूं टू इंसिजर्स होते हैं केनाइन वन होता है नीचे भी टू इंसिजर्स नीचे एक केनाइन ये आधे जबड़े का है बेटा आधे जबड़े जबड़ा बोलते हैं मतलब को तो आधे जौ का ये ठीक है चीके? उसके बाद प्रीमोलार आ गए क्योंकि बड़े हैं तो प्रीमोलार दो दो आ गए और मोलार बेटा मोलार दो नहीं एक्चुअली जब बड़ा होता है इंसान जब हम कहते हैं ना अक्ल डाड़ आ गई विजडम टूथ तो विजडम टूथ भी आ जाता है एडल्ट्स में तो दो तो थे ही मोलार बट अब तीसरा भी आ गया एडल्ट होने पे तो मोलार कितने हो गए तीन तो जो डेंटिशन फार्मूला इनका हो गया वो क्या हो गया 2123 टू, टू, क्या हो गया 2123 टू, टू, बात समझ आ गई सो ये मुझे समझाना था आपको आप नोट कर सकते हैं इस चीज को उसके बाद मैं बात करती हूँ डाइजेशन इन बकल कैपिटी बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेशन की बात कर रहे हैं ठीक है so, सो आपका डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का होता है बकल कैपिटी में ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में टूट जाते हैं किस में टूटेंगे शुगर्स में सिंपल शुगर्स में तो मैं लिख रही हूं सिंपल शुगर्स में टूट जाते हैं सिंपल शुगर्स में टूट जाते हैं तो मैम आपने तो वो बताया ही नहीं हथौड़ा कौन सा है कौन से, से हथौड़ा मारकर इसे तोड़ा गया है तो बेटा उस हथौड़े का नाम है सलाइवरी अमाइलेज जब भी हम अमाइलेज पढ़ेंगे तो समझ जाना हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं ये आपको याद करने वाली चीज है सो so, सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन को सिंपल शुगर्स की चेन में तोड़ देगा अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि सिंपल शुगर्स की चेन क्या है कैसे है सिंपल शुगर्स की चेन में जिन बच्चों की बुक्स में दिया हुआ है कि आप माल्टोज वगैरह पढ़ लो तो ठीक है नहीं दिया तो इट्स ओके ठीक है अब अब आप सोच रहे होगी ये एंजाइम क्या आपके मुंह में ऑलरेडी प्रेजेंट था ये कहीं से आया आपको सच बात बताऊं ये सलाइवरी अमाइलेज को लाने के लिए आपका सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सलाइवा में मिल रहा था और सलाइवा कहाँ से आ रहा था सलाइवा आ रहा था आपके सलाइवरी ग्लैंड से कहा से सलाइवरी ग्लैंड से तो ये आपको समझने की जरूरत है कि माउथ में ही लगे होते हैं कुछ सलाइवरी ग्लैंड जो निकालते हैं सलाइवा और सलाइवा जो होता है या सलाइवा में होते हैं सलाइवरी अमाइलेस जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है सिंपल शुगर्स में समझ आ गया इतना हाँ बच्चे बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा आपको बहुत सिंपल लगना चाहिए आप एक बार गारंटी के साथ अगर आप पढ़ोगे इसके बाद तो आपको बहुत आसान लगने वाला है बस आप सुनते जाओ तो मुझे क्या याद हो गया मुझे याद हुआ अच्छा मैंने रोटी खाई और रोटी में कार था कार्बोहाइड्रेट तो, मान लो रोटी और दाल खाई तो रोटी और दाल और दही वगैरह थी आपके पास सो और घी अच्छे से लगाया हुआ तो सबसे पहले रोटी माउथ में क्या हुआ एक तो ये जो हुआ ये क्या था केमिकल ब्रेकडाउन और माउथ में क्या होगा अगर मैं मैकेनिकल की बात करती हूं तो मैकेनिकल की ब्रेक डाउन होगा तो टीथ और टंग की वजह से मैस्टिकेशन होगा यानी कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड कहा हो रहा है आपके माउथ में बेटा मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है मैस्टिकेशन का मतलब होता है ऐसे ऐसे एकदम पीस देना ठीक है छोटे छोटे टुकड़ों में करते ना उसे बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड सो मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी कि एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन है और केमिकल ब्रेकडाउन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केमिकल ब्रेकडाउन के लिए आ गया हमारा सलाइवरी अमाइलेज माउथ में जो आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के फेंकता है किस में सिंपल शुगर्स में समझ आया आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको बहुत डिटेल बताई जाएगी इससे थोड़ा सा डिटेल और बताया जाएगा आप जब बड़े हो जाओगे कि किस तरीके से आ, क्या पूरा कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है या कैसे टूट रहा है वो आपको सब समझ आएगा बस अभी आपको ये याद करना है अब बात करते हैं बकल कैविटी बकल कैविटी के बाद फिर पीछे एक और जगह आती है खाली जगह जब आप टंग लगाओगे ना ऐसे करके तो पीछे और ज्यादा खाली जगह आती है जिसको समझाने के लिए मैं पहले एक स्पेस लाई हूं यहां हम देखते हैं मुझे ना बहुत ज्यादा आदत हो गई है रेड वाले कलर की कोई बात नहीं ठीक है इस तरीके से यहां आप समझेंगे आप जब ये देखेंगे तो यहां पे एक कैविटी है ये है बकल कैविटी क्योंकि माउथ की कैविटी है और इसी के जस्ट ऊपर नाक नाक का एरिया भी आएगा है ना और ये जो पीछे वाला एरिया ये दोनों एक ही जगह मिल रहे होंगे कॉमन ओपनिंग अच्छे से बनाना है मुझे ये ये समझ आ रहा है सो मैं अब लेबलिंग करती हूं बेटा ये है ये है आपकी नेजल कैविटी ठीक है और ये है आपकी बकल कैविटी ये दोनों कैविटीज हैं ये एक कॉमन एरिया में मिल रहे हैं क्या है कॉमन ओपनिंग इस कॉमन ओपनिंग को ही हम बोलते हैं फेरिंग क्या बोलते हैं फैरिंग्स ये जो कॉमन ओपनिंग है इसी को बोलते हैं हम फेरिंग्स और सुनो जरा ध्यान से ये जो फेरिंग्स है ये एक नीचे पाइप में जा रही है यहां देखो जरा ये पाइप दिख रहा है आपको ये पाइप दिख गया अब एक्चुअली में ये पाइप कुछ इस तरीके से नहीं होता ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाती हूं यहां देखो इस तरीके से है ये ठीक है सो ये एक्चुअली में कुछ इस तरीके से होता है आपको समझ आएगा अभी ठीक है ये अब ध्यान से सुनो एक ये है ओपनिंग और एक ये है ओपनिंग बेटा फैरिंग्स जो है वो दो पाइप में खुलता है ऐसे दो पाइप देख लो ठीक है आगे वाला जो पाइप होता है उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप विंड पाइप, ठीक है? और इसकी ओपनिंग को ये पाइप ये तो पाइप का नाम हो गया बट ओपनिंग का नाम क्या हो गया सिर्फ ओपनिंग का नाम क्या हो गया इसको इलेज करते हैं सिर्फ ओपनिंग का नाम क्या हो गया ये ओपनिंग, इस ओपनिंग का नाम हो गया ग्लोटिस, क्या नाम हो गया ग्लोटिस? अब यहां पे इस ओपनिंग का नाम क्या है गलेट क्या नाम है गलेट और गलेट का जो पाइप है इसको बोलते हैं ईसोफेगस है, क्या बोलते हैं इसोफेगस यानी कि फूड पाइप क्या बोल रहे हैं विंड पाइप कहते हैं यानी उस उसपे कुछ रिंग्स लगी होती है, है ना ट्राकिल रिंग्स जिन्हें बोलते हैं आगे जाके पढ़ोगे और जो पीछे वाला पाइप है जिसको फूड पाइप बोल रहे जिसके अंदर खाना जाने वाला है जिससे हमें मतलब होना चाहिए इस समय वो है इसोफेगस है ना उसी को बोलते हैं की ओपनिंग का नो तो मैं मैं हो no! होगा क्या फिर होगा ये कि बेटा जब ले रहा है या कुछ भी कर रहा है उस समय एक ढक्कन होता है एक ढक्कन होता है जो तेरे विंड पाइप को के रखता है ताकि तुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो इस ढक्कन के बोलते हैं हम एपी ग्लोटस ठीक है एपी का मतलब होता है ऊपर किसके ऊपर के ऊपर तो नाम क्या पड़ गया एपी शब्दों को तोड़ना है थियोरी uh, the so, क्या हो गया ग्लोटिस के ऊपर वाला ढक्कन ग्लोटस क्या हो गया भाई एक तरीके से देखा जाए गला और गले में दो ओपनिंग्स हैं गलट एंड ग्लॉटस ग्लॉटस आपकी फूड uh, ट्रैकिया की है सो so, चलते हैं इस पे Pharynx, ये मैंने लिखवा दिया कॉमन पैसेज होता है, का, ठीक है और उसके बाद क्या है इट हेल्प इन आप निकलते तो वो, तो वो आपको मिल रही है मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेजिंग द एक्सपैंड फैरिक्स यानी स्वेलोइंग में मदद कर रहा है देखा जाए सिंपल सिंपल तो स्वेलोइंग में मदद कर रहा है निकलने में खाने निकल लिया अब खाना जब टूटा था है ना? वो एक गेंद बन गया होगा गेंद बन गया होगा हा ये ना खाना जब टूटा था वो एक गेंद बन गया होगा वो गेंद मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आपको मान लो ये गेंद है ये गेंद है आपको पता है इस फूड को इस गेंद को जो आपके पाइप में आने वाली है नीचे इसको हम बोलते हैं बोलस मार्क करेंगे इसको सितारा लगाएंगे क्या बोलते हैं बोलस तो जब मुंह से खाना टूटकर नीचे की तरफ आ रहा है उसे हम बोलते हैं बोलस तो अब ये खाना कहाँ आ चुका है एक बढ़िया से पाइप में जो मैम आप बता चुके हो जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप क्या बोलते हैं बच्चों फूड पाइप मेरे बच्चों को अब सब कुछ समझ आ रहा होगा आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर सो बेटा ये जो पाइप होता है काफी लंबा होता है ये कम से कम तीस सेंटीमीटर तक का पाइप होता है और इस पाइप में लगातार ऐसे दबाव पड़ता रहता है खाना इस तरीके से मूव करता रहता है तो ये पाइप इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करता रहता है आगे पीछे और इसी मूवमेंट को बोलते हैं क्या बोलते हैं पेरिस्टाल सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट है ठीक है ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का है मूवमेंट इसी को हम बोलते हैं क्या हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस इससे, इससे क्या होगा इससे क्या होगा ये मस्कुलर पेरिस्टाल्सिस से क्या हो रहा है खाना इस तरीके से जब आप करोगे तो नीचे की तरफ आएगा है ना और क्या मैम यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम या कोई हथौड़ा बैठा है खाने को तोड़ने के लिए क्या यहाँ पे कोई डाइजेशन हो रहा है डाइजेशन इन इसोफेगस इज देयर एनी डाइजेशन हैपनिंग हेयर आंसर इज नो व्हाई बिकॉज हेयर वी डोंट हैव एनी एक्सेसरी ग्लैंड टू सपोर्ट डाइजेशन कोई साथ में ग्लैंड भी नहीं है जो कोई यू नो हथौड़ा दे देगा अपना या एंजाइम दे देगा लेकिन यहां पे एक चीज हो रही है क्या पैसेज ऑफ फूड खाना आराम से मस्त हो नीचे आ रहा है और उस खाने को अभी भी हम क्या बुला रहे हैं हम बुला रहे हैं उस खाने को बोलस सो नथिंग नथिंग हैपनिंग, स्पेसिफिक, नो ब्रेक डाउन इज अकर नो ठीक है सो नो ब्रेक डाउन इज हैिंग ओनली यू नो प्रोसेसिंग इज हैपनिंग ओनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस अब खाना हौले हौले और धीरे धीरे कर कर आ जाएगा आपके टमी में पेटू में ठीक है सो ये so, जो पेटू बड़ा प्यारा सा दिख रहा है ये एक्चुअली में देखा जाए तो इस तरीके से देखो ये जे बना रहा है जे बना रहा है सो so, यहां देखो मैंने क्या लिखा है जे शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन क्योंकि इतनी बड़ी थैली है भाई साहब इतनी बड़ी थैली है कि इसमें खाना आराम से मस्त होके बैठ जाएगा खाते जाओ खाते जाओ और खाना बैठता जाएगा तो यानी कि हमें समझना चाहिए कि ये स्टोरेज भी करता है मैडम कितनी कितनी देर कितनी देर के लिए लिए स्टोर स्टोर करेगा बेटा आपके ये स्टोर करता है फोर टू फाइव आवर्स तो जब आपने तुरंत खाना खाया होता है आप और ज्यादा गोलू मोलू दिखते हो फोर टू फाइव आवर्स के लिए दिखोगे याद रखना क्यों क्योंकि फोर टू फाइव आवर्स के लिए खाना आपके पेट में है डाइजेस्ट नहीं हुआ है आप बोलोगे मैम समझ आ गया पर यहाँ पे आपने एक और चीज लिखी है कि इस जे शेप स्ट्रक्चर सिर्फ स्टोरेज नहीं कर रहा वो डाइजेशन भी कर रहा है वो डाइजेशन भी कर रहा है तो डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा बेटा ये अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेगा और क्या मैम यहाँ पे देखो अच्छा एक और चीज एक और चीज कैसे मैं भूल गई लिंक करते हुए चलेंगे ना सारी चीजें बेटा ईसोफेगस में भले ही यहाँ पे चलते हैं ना ईसोफेगस में भले ही केमिकल डाइजेशन नहीं हो रहा बट क्या मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है याद करो जल्दी से जरा पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं हम थोड़ा सा ये रहा, पेरिस्टालसिस पढ़ा था पेरिस्टालसिस अब समझ आया पेरिस्टालसिस सो मैकेनिकल डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन ईसोफेगस बट नो केमिकल डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस हेयर आ जाओ भाई सो मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है यानी कि ऐसे दब रहा है वॉल्स जो है ऐसे लगातार ऐसे कर रही है तो खाना कहीं ना कहीं और पतला होता जा रहा है तो फोर टू फाइव आवर्स के लिए पेटू में आपके स्टमक में जे शेप स्ट्रक्चर में आपका खाना है जब आप आगे जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पढ़ोगे स्टमक के इसे फ्यूनस कहते हैं ये बॉडी है ये पाइलोरस है, है है ना ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे खाना आ गया अब एक और बात सुनो स्टमक की लाइनिंग जो है स्टमक की जो बॉडी वॉल है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ डाइजेशन की तो मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टमक की जो वॉल है वो डाइजेशन करने में मदद करती है कैसे क्योंकि वो निकाल रही है तीन ब्रह्मास्त्र वो तीन ब्रह्मास्त्र कौन कौन से हैं पहले म्यूकस म्यूकस होता है चिपचिपा चिप चिप -चिप सा पदार्थ चिपचिपा सा पदार्थ चिपचिपा सा लिक्विड जब आप करके ऐसे करते हो जो बाहर निकलता है वो है म्यूकस ठीक है इसमें कोई हंसने की बात नहीं है कोई जोक मैंने क्राक नहीं किया होगा अगर कोई बच्चों को हंसी आ रही होगी ये एक्चुअली में रियलिटी है कि आपका पूरा गट अब गट क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक लिख लो गट क्या है गैस्ट्रो जीआई ट्रैक जिसको बोलते हैं गट उसे ही बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल भी वही है कहीं लिख लो इस बात को बेटा एलिमेंट्री कैनाल गट या जीआई ट्रैक ये तीनों नाम से पूछ सकता है ठीक है तो ये क्या है माउथ से लेके एनएस तक का पार्ट जो पूरा हमने देखा था ना वो एकदम सांप इस तरीके से हिल मतलब माउथ से लेके एनएस तक का तो वो है बेटा एक्चुअली में आपका गट उसी को गट बोल दो उसी को एलिमेंट्री कैनाल बोल दो उसी को जीआई ट्रैक बोल दो गैस्ट्रो ट्रैक कुछ भी वही है गट सो so मैं आपको समझा रही थी कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये चिपचिपा समा, समान निकलता ही रहेगा ताकि खाना घिसडन पैदा ना करे है ना आपकी बॉडी वॉल से पैदा ना करे इसीलिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये जो खाना है ये क्या करता रहेगा म्यूकस निकलता रहेगा और खाना ल्यूब्रिकेशन से आराम से फिसलता हुआ नीचे आएगा सो so, ऊपर से खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे आया और एंट्री ली उसने स्टमक में अब स्टमक में हमारा निकल रहा है म्यूकस अरे बाप मैम एसिड अपने पेट में डाल दिया और डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव जूसेस जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस के नाम से भी जानते हैं गैस्ट्रा वर्ड हम पेट के लिए यूज करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस सो गैस्ट्रिक वर्ड या गैस्ट्रा है ना गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं पेट के कुछ इश्यूज हो रहे हैं सो so, ये वर्ड हम यूज करते हैं पेट के लिए सो so, बेटा मेरा यही कहना है कि आपके स्टमक में तीनों चीजें निकल रही हैं और तीनों चीजों का एक अपना अपना फंक्शन है ठीक है मैम आपने कहा था कि स्टमक में भी रगड़न होती है है ना एकदम खाना टूटता है तो अगर आप ये नीचे पिंक लाइन नोट करोगे जरा देखो the churning action in the stomach, churning मतलब ये वाला वाला मसल्स ऑफ द स्टमक फिजिकल डाउन ऑफ फूड इन द स्टमक एंड फॉर्मेशन ऑफ काइन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यानी कि जो फिजिकल ब्रेकडाउन है यानी कि अगर मैं बात करूं तो अभी इसमें दोनों मकैनिकल एंड केमिकल दोनों टाइप के डाइजेशन हो रहे हैं मकेनिकल में मैं क्या शब्द पढ़ रही हूं चर्निंग क्या पढ़ रही हूं चर्निंग वहां मैंने क्या पढ़ा था मैस्टिकेशन है ना चर्निंग माउथ में पढ़ा था मैस्टिकेशन इसोफेगस में पढ़ा था पेरिस्टालसिस और यहां मैं पढ़ रही हूं चर्निंग बात समझ आई अब इसके बाद केमिकल के लिए सवाल अभी भी जाहिर है कि मैम केमिकल डाइजेशन यानी जहां हथौड़े लगने हैं जहां हथौड़ा लगकर काम होता है यानी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कहां पे हो रहा है तो अभी तक सिर्फ मैंने आपको यह समझाया कि आपके पेट में तीन पदार्थ निकल रहे हैं आंखें बंद करके पदार्थों के नाम मेरे साथ लेंगे चाहे पहले एक बार देख सकते हैं सबसे पहला पदार्थ निकल रहा है म्यूकस चिपचिपा पदार्थ बहुत अच्छी बात है फिर निकल रहा है एसिड एच सी एल एक्चुअली में देखा जाए तो ये डायल्यूट एसिड है डरने वाली बात नहीं है जरूरत का है और उसके बाद निकल रहा है आपका गैस्ट्रिक जूसेस यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी पेट के ग्लैंड कुछ लगातार secretion कर रहे हैं जूस का जैसे बोल रहे हैं गैस्ट्रिक जूसेस या स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस बहुत बढ़िया बात है सो so, आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके फंक्शन क्या क्या है या इनका डाइजेशन कैसा हो रहा है तो बहुत ब्लर सा आपको दिख रहा होगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहती हूँ अगर है तो ठीक है मैं बात कर रही हूं म्यूकस की वॉट डू यू थिंक म्यूकस का फंक्शन क्या होगा म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ है और आपकी बॉडी में एच सी एल है तो कहीं ना कहीं म्यूकस आपको प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम एच सी एल है ना सो इट प्रिवेंट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एच सी एल तो मैं पूरा लिख दूं क्या प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट्स लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एच सी एल ठीक है अब मैम आप कह रहे हो यार हमें प्रोटेक्ट भी करना है फिर एच सी एल भी चाहिए क्यों चाहिए हम खाने को रख रहे हैं हम तोड़ेंगे एक ही पे कि हमें चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट हमें चाहिए एसिडिटी अगर एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ तभी मैं हथौड़ा चलाऊंगा उससे पहले मेरा हथौड़ा नहीं बजेगा सो यार हमने कहा कि चलो ठीक है हम एसिड दे रहे हैं तुम्हें तो तुम एसिड का करोगे क्या सवाल अभी भी वही है तुम क्या करने वाले हो सो so, हमने क्या करा इन लोगों ने एक पदार्थ था पेप्सिनोजिन ठीक है उस पेप्सिनोजोन को ये ना इनएक्टिव बैठा हुआ था मायूस सा बैठा हुआ था इस को हमें कन्वर्ट करना था एक एक्टिव पदार्थ में एक एक्टिव पदार्थ में जिसका नाम था पेप्सिन जिसका नाम था पेप्सिन बात समझ आ रही है क्या नाम था पेप्सिन अब इस पेप्सिन का इस्तेमाल करके हमें कुछ तोड़ना है यानी कि या असली हथौड़ा हमारा काम का ये है असली हथौड़ा काम का ये है तो पेप्सिन से पेप्सिन कैसे बनाया जाए तब आया एचसीएल HCL actually में में जो पेट में बैठा है उसे active है उसे करेगा पेप्सिन 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 बनाएगा असली हमारा अब हम भैया प्रोटीन। प्रोटीन आप तोड़ोगे की मदद से और एक तरीके से आप कह सकते हो पेप्टाइड्स अभी मैं यहाँ पे पेप्टाइड्स लिख रही हूँ आप अमीनो एसिड नहीं लिखोगे मैं सिर्फ पेप्टाइड लिख दिया काम उससे चलाओ अभी सिर्फ हम पेप्टाइड्स करेंगे डरना मत आप समझ लो प्रोटीन की बहुत बड़ी चेन थी बहुत बड़ी चेन थी और अभी ये आधी चेन में टूट गई है इस तरीके से चेन में टूट गई है अभी भी चेन है पूरी तरीके से सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं हुए हैं इसीलिए मैं पेप्टाइड्स बता रही हूँ बात समझ आ गई अभी पेप्टाइड्स हैं अमाइनो एसिड नहीं है तो मैम ठीक है तो यहाँ पे लिखा भी है पेप्सिन का काम प्रोटीन को तोड़ना एचसीएल का काम एसिडिक मीडियम को वातावरण को बनाए रखना ताकि काम हो जाए और पेप्सिनोजिन पेप्सिन में बन जाए और म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक समझ आया इजी है सही चल रहा है हाँ बता दो एक बार सही चल रहा है सो so, अब आगे चलते हैं हम ओके okay, बात करते हैं लेवर की बेटा लेवर क्या है और ये आप मैम ने अपने याद आ रहा होगा मैम ने डब्बे में बनाया था ये एक एसोसिएटेड ग्लैंड है मैं यहां पे लिख देती हूँ ये एक एसोसिएटेड ग्लैंड था ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे लिवर को तो ये कुछ इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से एक बायलोब स्ट्रक्चर है ये दिख रहे हैं दो लोब्स का है एक ये रहा दूसरा ये रहा ये एक बायलोप स्ट्रक्चर है ठीक है मैम ये भी समझ आ रहा है अगर ये बायोलो स्ट्रक्चर है इसमें काम क्या है बेटा ये जो लिवर है ये निकाल रहा है सॉरी ये जो लिवर है ये एक एंजाइम निकाल रहा है एक हथौड़ा क्यों 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 क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी देखो मामला क्या चल रहा है चलो वापस आ जाओ वापस आ जाओ देखो बोलस मतलब माउथ में हमने तोड़ तोड़ दिया खाना ईसोफेगस में आया बोलस बोलस गया पेट में पेट में उसने प्रोटीन तोड़वाया अपना खाने का और उसके बाद वो और पतला हो गया अब वो जो पतला सामान हो गया ठीक है यानी कि पहले था बोलस मैं लिखती चल रही हूँ बोलस के बाद वो गया पेट में और पेट के बाद वो क्या कर रहा है वो बन गया है कायम क्या बन गया यानी कि खाना और ज्यादा टूट गया अब बन गया कायम अब को जाना है कहाँ पे आप बोलोगे मैम आप लिवर ले आए यार हमने तो पढ़ा था स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है नंबर फोर डाला था आप देखो मैं आपको याद दिलाती हूँ एक तो स्क्रीन है यहाँ पे बहुत सारी है तो मैं वापस दोबारा मुझे अच्छा नहीं लगता वहां पे चलो ठीक है आपको इतना तो याद आ रहा होगा कि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह मैं लिवर को क्यों ले आई क्या जरूरत पड़ी इसको है भाई कहां से आया तू तो बेटा यहां से इसलिए आया कि भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन ने मुझे बोला है कि मैं उसकी मदद करूं तो आप तो मुझे पढ़ोगे ही स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा था तो उसने मुझे बोल दिया थोड़ा सा काम करने के लिए मैंने कहा अच्छा तुझे बोल दिया तो तुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा तू एक एसोसिएटेड ग्लैंड है किसको मदद कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को तो आजा तुझे पढ़ते हैं तू एक बाइलोप स्ट्रक्चर है तेरे पास दो लोब्स हैं तेरे अंदर एक हथौड़ा प्रेजेंट है या हथौड़ा बन रहा है उस हथौड़े का नाम या उस एंजाइम का नाम बाइल जूस है ठीक है उस हथौड़े का नाम बाइल जूस है हम कह रहे हैं तू लगातार बाइल जूस बनाए जा रहा है तो कहीं तो इकट्ठा कर कहीं तो स्टोर कर तो इसने कहा क्यों नहीं स्टोर करूंगा मैं स्टोर करूंगा एक थैली में मैं स्टोर करूंगा उसको एक थैली में ये थैली दिख रही है यहाँ पे ठीक है ये थैली दिख रही है यहाँ पे इस थैली का नाम क्या है ये देख लो गोल ब्लैडर क्या नाम है इस थैली का गोल ब्लैडर तो हमने कहा यानी कि मुझे अब समझ आया लिवर निकाल रहा है बाइल जूस और वो बाइल जूस स्टोर हो रहा है गोल ब्लैडर में यानी लिवर से भी बाइल आ सकता है गोल ब्लैडर से भी बाइल आ सकता है तो यहां देखो यहां से भी बाइल आ सकता है और यहां से भी बाइल आ सकता है तो दोनों की डक्ट आ सकती है ठीक है यहां से भी डक्ट आएगी और अब इस तरीके से नीचे जा रही है डक्ट ध्यान से देखेंगे अब इसको समझाती हूँ आप यहां देखो ये वाली डक्ट है यहां पे लिखा भी हुआ है चलो छोड़ो ये वाली डक्ट है हेपाटिक डक्ट। और ये जो गोल ब्लैडर से जा रही है ये है सिस्टिक डक्ट आपको करने की जरूरत नहीं है बस इतना समझ लो यहां से भी एक डक्ट आ रही है जो बाइल जूस ला रही है और जहां स्टोर हुआ था बाइल जूस वहां पे वहां से भी तो जहां से लगातार बन रहे है, वहां से भी बाइल जूस आ सकता है और जहां स्टोर हुआ था वहां से भी स्टोरेज हाउस से भी आप बाइल जूस ले सकते हो तो यानी कि एक कॉमन डक्ट आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डक्ट ठीक है सो मुझ मैं इसको लिखना चाहती हूं ये है कॉमन डक्ट तो कॉमन बाइल डक्ट क्या लेकर आ रही है अपने अंदर से अपने अंदर ला रही है वो बाइल जूस को यानी ये हथौड़ा है मैम ये हथौड़ा क्या हमारे किसी खाने को तोड़ेगा क्योंकि आप कह रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं टूट रहा यहां टूट जाएगा बेटा एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना सो यहां देखो बाइल जूस का फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ बाइल जूस कभी भी मैं आपको यहां पे लिख रही हूं ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो मैम क्या है ये एक्चुअली में किस चीज में मदद कर रहा है बेटा ये फैट्स को फैट की होती है बड़ी बड़ी बॉलें बड़ी बड़ी बॉलें तो ये उन बॉल को एक्चुअली में चेन नहीं तोड़ रहा बॉल की चेन नहीं तोड़ रहा बॉल के अंदर चेन्स है ना तो वो चेन नहीं तोड़ रहा वो इस तरीके से मान लो ये चेन्स है मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ एक ये चेन है एक ये चेन है एक ये चेन है एक ये चेन है ये बड़ी बड़ी चेन है क्या अब ये इस तरीके से तोड़ रहा है कि ये चेन कुछ इस तरीके से बच गई एक इस चेन वाली बॉल बच गई एक और चेन वाली बॉल बच गई ठीक है यानी कि ये एक तरीके से साइज को छोटा कर रहा है चेन को नहीं तोड़ रहा चेन अभी भी उतनी ही है अगर चार चेन थी तो चार ही है पर वो फर्क क्या हो गया कि चार को अब छोटे छोटे उसमें तोड़ दिया अब छोटे छोटे बॉल में ताकि हर तरफ से एंजाइम आके काम कर पाए हर तरफ से एंजाइम आके काम कर पाए सो so, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कोई मुझे बताएगा इमल्सिफिकेशन क्या बोलते हैं इमल्सिफिकेशन यानी मथना किसी को अगर हिंदी में पता हो मथना है ना इस तरीके से मठा मत, है ना तो उसको बोलते हैं मथना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करने में कौन मदद कर रहा है बाइल जूस तो बाइल जूस एक्चुअली में चेन नहीं तोड़ रहा चेन उतनी ही है फैट्स की बट फैट अभी भी फैटी है वो कुछ टूटा नहीं है बट फैट अभी भी फैट है लेकिन बस हमें ये समझ आ गया कि फैट के बड़े बड़े गोले जो थे वो अब छोटे छोटे गोले बन गए वो फैट फैट ही है समझ आया सो बाइल जूस एक्चुअली में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोल ऑफ बाइल समझ आ गया यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं येरा

Associated gland है, है, यानी कि कि मैम यार ये तो बहुत वाली बात हो गई कुछ ही नहीं नहीं कर पा रहा, ऐसा कर करेगा, करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन तो सबसे ज्यादा बड़ा काम करेगा बेटा वो सारी चीजों को तोड़ देगा क्योंकि वो अंतिम प्लेटफॉर्म है सारी चीजें टूटने का इसीलिए जितनी हेल्प हो सकती है पहले ही हो जाए तो लिवर और लिवर ने हेल्प कर क्या था ग्लैंड था लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज़ लिख लो यहाँ लिख लो ठीक है लार्जेस्ट लार्जेस्ट कोई पूछ ले आपके किसी एग्जाम में तो आपको आना चाहिए सितारा लगा लेना ठीक है राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा आपको पता होना चाहिए फिर हम बात करते हैं पेन की पेनक्रियास एक्चुअली में एक एसोसिएटेड क्लैंड है ये आप अगर देखोगे पेनक्रियाज तो ये भी स्टमक के कहीं पास में ही होता है इस तरीके से ही दिख रहा है, है ना एकदम इसी को बोलते हैं है हम पेनक्रियाज सो so, ये जो पेनक्रियाज है ये जो पेनक्रियाज है बेटा ये एक कैसा कलर का लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है और जस्ट बिलो द स्टमक ये प्रेजेंट है बिल्कुल पेट के नीचे ये प्रेजेंट होता है और इसके पास बहुत सारे हथौड़े होते हैं इट हैज एंजाइम्स हथौड़े होते हैं हार्मोन होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं ठीक है एक और लाइन लिखे जरा अगर आप अगली लाइन देखेंगे कि पेंक्रियाज एक्चुअली में एक कैसा ऑर्गन है कंपाउंड ऑर्गन है यानी कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ की तरह काम करता है थोड़ी सी इसकी डिटेल बाद में लें हाँ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है इसकी डिटेल बाद में लेते हैं अभी हम सिंपल समझते हैं कि पेनक्रियास का काम क्या है कि आप जब थोड़ा सा क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे जब तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो अच्छे तरीके से तब अच्छे से हम बताएंगे कि पेनक्रियास एक्चुअली में हेटरोक्राइन ग्लैंड है इसको कंपाउंड भी बोलते हैं और इसे हेटरो ग्लैंड भी बोलते हैं ठीक है इसे मार्फ कर लेंगे जो भी चीज मैं लिख रही हूं बेटा सौ प्रतिशत आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी ही आएगी नहीं तो आप नीट में आने वाले हैं तो नीट में तो आएगी हंड्रेड एंड टेन परसेंट पता होना चाहिए एक्जोक्राइम पार्ट ओके सो मैम आपने कहा ये ग्लैंड दो तरीके से काम कर रहा है या तो एंजाइम निकाल रहा है या हार्मोन हमें किसकी काम है एंजाइम तो आपको एंजाइम की जब आप बात करते हो तो आप करते हो एक्सोक्राइन किसकी एक्सोक्राइन तो अभी मैं अगर मैं कहूं कि ये एक एंजाइम निकाल रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम तो ये कैसा ग्लैंड है एक्सोक्राइन ठीक है सो so, जब भी मैं कहूंगी हार्मोन तो आप करोगे एंडोक्राइन समझ आ रहा है यहां पे मैंने लिखा था ना कहीं ये रहा है. तो जब भी आप एंजाइम की बात करते हैं तो आप करेंगे एक्सोक्राइन और जब भी आप हार्मोन की बात करते हैं तो आप बात करेंगे एंडोक्राइन ठीक है सो so, हम बात करने वाले हैं एज एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या निकाल रहा है बेटा ये निकालेगा डाइजेस्टिव जूसेस क्या निकाल रहा है डाइजेस्टिव जूसेस हाँ यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की जगह जगह है ये दिख रहा है आप स्ट्रक्चर ये पेनक्रियास का ही है इस डाइजेस्टिव जूसेस को हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं और ये एक्चुअली में आपको जितनी भी चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट टूट गया था ठीक है थोड़ा सा टूटा था थोड़ा सा और बचा था माउथ में हंड्रेड परसेंट तो नहीं टूट सकता ना इतनी ताकत नहीं है मान लो माउथ में आपका टूटा है तीस परसेंट सत्तर परसेंट अब भी बच गया तो वो कहा टूटेगा उसे टूटना तो है ही तो वो यहाँ पे कोशिश करता है कि यार टूट जाऊं मैं सो so, जाऊ पे देखो क्या हो रहा है ये जो पेनक्रियाटिक जूस है यार एक बात बताओ जब आप जूस पे तो, तो किसी किसी चीज को मिला लेते हो जैसे चीनी मिला ली ये मिला लिया वो मिला लिया तो पेनक्रियाटिक जूस जो है उसमें क्या क्या आ रहा है जरा आप देखो ठीक है मान लो सबसे पहले हमें डाइजेस्ट करना है क्या हमें डाइजेस्ट करना है प्रोटीन तो प्रोटीन को निकालने के लिए इसके पास है ट्रिप्सिन ठीक है फिर इसको हमें डाइजेस्ट करवाना है अपने कार्बोहाइड्रेट जो बचे हुए थे तो इसके पास है अमाइलेस पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक अमाइलेस क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था जब भी अमाइलेज आ जाए यानी कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है ठीक है उसके बाद फिर क्या है लाइपेस लाइपेस किसको तोड़ेगा लिपिड्स को तोड़ेगा और इसके पास है न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस थोड़ा सा जगह दे देते हैं इसको न्यूक्लियस लिख लेंगे नोट करेंगे इस बात को ठीक है पेंट्रियाटिक जूस तो बड़ा रिचेस्ट है यहां देखो क्या लिखा है भाई साहब रिचेस्ट जूस क्यों इसे रिची रिच बोल रहे हैं बचपन में कार्टून आता था रिची रिच क्यों इसे रिची रिच कह रहे हैं क्योंकि इसके पास सारी चीजें तोड़ने के पदार्थ हैं मैम ट्रिप्सिन तोड़ने वाला है प्रोटीन को ट्रिप्सिन तोड़ने वाला है प्रोटीन को पैनक्रियाटिक अमायलेज तोड़ने वाला है कार्ब्स को लाइपेस तोड़ने वाला है लिपिड्स को मैम न्यूक्लियस किसको तोड़ेगा बेटा ये आप बड़े होकर पढ़ोगे ठीक है आप न्यूक्लियस हटा भी सकते हो अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रेगुलर ओलंपियाड वगैरह देते हैं उनको ये टर्म पता होती है तो उनके लिए है है ये ठीक अगर वो सुन रहे हैं मुझे न्यूक्लियस बेटा न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है अभी सिर्फ इतना समझ लो जैसे डीएनए या फिर आर इनको तोड़ने के लिए आपको याद नहीं करना ये आपको याद नहीं करना जब आप ट्वेल्थ में आ जाओगे इलेवेंथ में आ जाओगे सॉरी तब आप करोगे इसको ठीक है जरूरत पड़ेगी तो जरूरत पड़ेगी तो सो so, यहाँ पे बहुत तो नहीं होंगे ना मतलब दिख रहा है ना FLC दिख रहा है ठीक है सो so, आप अगर देखेंगे तो जूस जूस जो है है वो भाई साहब बहुत रिचस जूस है। उसके पास सारी चीजें तोड़ने के लिए सब कुछ है ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा पेंक्रियाटिक लाइपिस जिसको स्टिप्सिन भी बोलते हैं स्टिप्सिन एस टी ई -E ए पी एस आई एन लिख दू क्या लिख दू क्या कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको चाहिए होता है कि मैम लिख दो हम तो याद कर लेंगे तो पेनक्रियालिक लाइपेज है क्या है पूरा शब्द पेनक्रियाटिक लाइपेस हर बस पेन पेंक्रेया... पेनक्रियाटिक वर्ड लगा देना पेनक्रियाटिक लाइपेस लिपिड्स को तोड़ देगा न्यूक्लियस आपके डीएनए और आरएनए को तोड़ने की कोशिश करेगा रिचे आप खाना किस फॉर्म में कायम है भैया अभी भी काइम है पहले बोलस था बार बार याद दिला रही हूं फिर पेट में कायम था अब ये काइम अच्छे खासा पेंक्रिया जूस और ये सब जूस से टूट टाट के आ गया है एक डायग्राम था यार ये रहा ये रहा ये, रह। ये, रह। ये, रह। ये, रह। ये डायग्राम जरा देखो बच्चों जरा मैं आपको समझाना चाहती हूँ यहां से देखो यहां से क्या आ रहा था बाइल जूस लिवर से है ना ये गॉल ब्लैडर है यहां से भी बाइल जूस आ रहा होगा और मैंने आपको कहा था कि ये क्या बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट ये रही कॉमन बाइल डक्ट क्यों क्योंकि ये दोनों कॉमनली क्या लेकर आ रही है बाइल लेकर आ रही है ये रही ये बाइल लेकर आ गई इधर ये हो गया ये वाला मामला अब यहीं पे एक और चीज आ रही है जरा अगर आप देख पाओ यहीं पे एक और चीज आ रही है देख पाओ ये पेनक्रियाज है ना ये पेनक्रियाज दिख रहा है पेनक्रियाज ये पेनक्रियाज है पेंक्रियास भी जूस निकाल रहा है तो पेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे ये पेंक्रियाटिक डक्ट है तो ये पे भी ये पे भी कहीं पे भी आके मिल रही होगी ना तो ये जो कॉमन जगह है ना ये जो कॉमन ये जो कॉमन हो गया ब्लैक और व्हाइट जो कॉमन हो गया इसी को हम बोलते हैं क्या क्या हिपैटो Pancreatic duct. Hepato मतलब यानी कि से से आने वाली, pancreas से आने वाली, वाली एक common duct जो pancreatic juice भी समान भी निकाल रही होगी और bile juice भी ला रही होगी और क्यों ला रही होगी बता चुकी हूं पर कहा ला रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में सो so ये सारी हरकतें जो हो रही हैं ये हो रही हैं ठीक है ठीके? आते आते सामान जब आ रहा है तभी तभी टूट रहा है उसके बाद यानी कि कॉमन सॉरी हिपैटो पेनक्रियाटिक पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक से कॉमन बाइल डक्ट से जुड़कर बनी है इस तरीके से ये इस तरीके से ये और फिर ये समझ आ रहा है सो ये हिपैटो पेंक्रियाटिक ड और जिससे हमारा क्या होने वाला है समान जो है वो अच्छा खासा टूट के जाने वाला है अंतिम पड़ाव पर अंतिम पड़ाव है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन आड़ा तेड़ा गुदड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है और इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं है? मैम ये तो इतना लंबा सादा सा दिख रहा है क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों है वाई दूसरा पेन Why small? सबसे बड़ा नहीं है लें इतनी लंबी नहीं है बट उसका डायमीटर चौड़ा है ठीक है सो वी आर कॉलिंग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर सो ये सेवन मीटर लॉन्ग है पर इसका डायमी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर है बेटा याद रखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अंतिम पड़ाव पहुंच चुके हैं और सारी चीजें सारी की सारी चीजें अब जो भी बचा है है वो वो सब यहां वो सब टूट टूट जाएगा जाएगा ठीक तो वह आप बोलोगे मैम देखो बचा हुआ प्रोटीन तो आप कह रहे थे ऊपर टूट गया बेटा आपको एक बात बताऊ अभी तक सिर्फ एक चीज याद रखना जब आप इसे लिंक बनाना चाहते हो तो अभी तक जो भी टूटा है ना वो डाई की फॉर्म में है यानी कि अभी तक जो भी चीज एंटर कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इस फॉर्म में एंटर कर रही है डाई की फॉर्म में ठीक है डायसेकराइड ठीक है यानी कि आ, आपकी कार्बोहाइड्रेट की चेन फिर उसके बाद डाइग्लिसराइड ग्लिसरीन वर्ड आ गया या मोनोग्लिसरीन तो मोनोग्लिसराइड ये फैट के लिए बोलते हैं आपको इतनी बड़ी भारी शब्द लेने की जरूरत नहीं है बस मैं बता रही हूँ ठीक है डाइपेप्टाइड बात समझ पेप्टाइड चेन निकली थी सो so, ये सारी की सारी डाई की फॉर्म में है अब इन्हें मोनो करना है सिंगल सिंगल तोड़ना है लास्ट हथौड़ा टूटेगा और मरेगा कहां पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सो so, लास्ट हथौड़ा मारने के लिए भी इसके पास सारी चीजें होनी चाहिए इसके पास यू you नो know, प्रोटीन तोड़ने के लिए प्रोटीएज होना चाहिए इसके पास लिपर्स तोड़ने के लिए लाइपेज होना चाहिए इसके पास कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए इसके पास अमाइलेज होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड अगर पूरे नहीं टूटे न्यूक्लियस

सिक्रीशन जो है लिवर से भी आएगी पेनक्रियास से भी आएगी और खुद का तो ये क्या निकाल रहा है सिक्रीट्स इट्स जूसेस खुद के ये डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल जूस मैडम जी ये जो पाइप है ये तीन रंग बिरंगे स्ट्रक्चर में क्यों दिखा रखा है बेटा इसलिए दिखा रखा है मजबूरी है क्यों क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तीन भागों में है आप अगर यहां देखोगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से, से बनाते हूं यहां पेट था ठीक है ये ये ठीक है ये इस तरीके से आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे यानी स्टमक का जो पाइप था यानी कि जो काइम था आप बोलोगे मैं वो दोनों पाइप कहां से है? वाली बात थोड़ी है वो यहाँ पे हेपाटो HPD, आपकी डिओडेनम में ही एंट्री ले रही है और स्टमक की भी लाइनिंग वहीं पे ही आ रही है बट एक्चुअली में ये कहा जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है डी जे आई आई कहे गेरा ठीक है सो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं डी जे आई डी फॉर डेओडिनम जे फॉर जजनम एंड आई फॉर इलियम ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जो लिखा हुआ है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे डेओडिनम सबसे छोटा पार्ट है और सबसे चौड़ा पार्ट है देख पा रहे हो सबसे छोटू सा यहां पे खत्म हो गया लेकिन सबसे चौड़ा है और ये देखो शेप कैसी बना रहा है ये शेप कैसी बना रहा है ये ये भाई साहब शेप बना रहे हैं सी शेप यहाँ दिख रहे हैं इट इज सी शेप स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बात जजनम एक मिडल पार्ट है देख पा रहे हो बिल्कुल मिडल में है ये और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ देखो बहुत ज्यादा आड़ा तेढ़ा स्ट्रक्चर है ठीक है उसके बाद इरेजर से ना इरेज भी कर देते हैं ताकि ये गंदगी हटाए ठीक है ठेके? उसके बाद हम बात करते हैं इलियम की द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल टाइम ये हाईली कॉल्ड नहीं है पर बहुत ज्यादा लंबा है ये देखो बहुत ज्यादा लंबा है इसीलिए आपको तो दिख रहा होगा कि ऐसे मुड़ा तोड़ा है है ना सो so, ये बहुत ज्यादा लंबा है सो हाईली एक्चुअली सॉरी द लॉन्गेस्ट पार्ट इज इलियम हाईली कॉइल्ड इज जजनम और अगर आप देखा जाए तो वॉल ऑफ इलियम जो है वो इलियम की जो वॉल है वो थिन होती है थिनर देन जजनम यानी जजनम की वॉल थोड़ी थिक होगी मोटी होगी चमड़ी उसकी कंपेरिटिव टू इलियम बात चल, आगे चलते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा ये लास्ट पार्ट है देखो इसको समझने के लिए सिर्फ मैं इतना समझ रही हूं हर कुछ डाई है हर कुछ डाई है दूसरा कलर ले लेते हैं ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल मैं तोड़ रही हूं डाइपेप्टाइड ठीक है आपकी जो है है उसमें लिखा फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस एंड प्रोटीन इज ब्रेक एंड डाउन इन टू अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोक एंड डाउन इंटू स्मॉल सिंपल शुगर एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है बट एक्चुअली में क्या हो रहा है नजारा मैं वो यहाँ दिखा रही हूँ पूरा नहीं डिटेल में नहीं जाएंगे बस बता रही हूँ कन्वर्ट कर रही हूँ मान लो डाइपेप्टाइड्स है या मान लो डाइसेकेराइड्स है या मान लो डाई uh, ग्लिसराइड है या फिर ट्राइग्लिसराइड है ये लिपिड्स के लिए बोलते हैं ठीक है लिपिड्स को सो so, ठीक है डायपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए प्रोटीन तोड़ेगा किसको अमाइनो एसिड में तोड़ देगा उसके बाद डायसेक्राइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट इस ये कार्बोहाइड्रेट की चेन को बोलते हैं कार्ब्स की चेन को बोल रहे हैं दो चेन है तो डायसेक्राइड ठीक है दो मॉलिक्यूल्स की चेन है सॉरी दो मॉलिक्यूल नहीं दो चेन लंबी सी चेन है दो तो डायसेक्राइड तो इसको क्या चाहिए अमाइलेस कौन सा अमाइलेस इंडेस्टाइनल अमाइलिस ठीक है अमाइलिस किसमें तोड़ देगा सिंपल शुगर में सिंपल शुगर्स में यह आपको अच्छे से बताऊंगी अभी और फिर डाइग्लिस किसमें टूट जाएगा लिपर्स किसमें टूटते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिस्टरॉल में टूट रहे हैं

टूट जाता है ग्लूकोज की दो चेन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तोड़ेगा इसको तोड़ने के लिए माल्टेज आ जाता है जब भी आप एज देखोगे ना किसी भी प्रोटीएज न्यूक्लियस एज का मतलब हथौड़ा एज का मतलब हथौड़ा यानी एंजाइम सो तो अगर मैं माल्टोज को तोड़ रही हूं किसमें अगर मैं माल्टोस को तोड़ रही हूं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्योंकि माल्टोस क्या है एक तरीके से कह सकते हो यहां पे डायसेक्राइड है तो अभी तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सिंगल यूनिट्स में टूट गया ये तो एक था ठीक है ये एक था अब दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लू दूसरा एग्जाम्पल आप मान लो फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज ले लो लैक्टोज मिल्क में मिल रहा है आपको लैक्टोज जो है वो बेसिकली टूटना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ठीक है इसको तोड़ने के लिए कौन आ जाएगा नाम बताओ लैक्टेज लैक्टेज। और थर्ड मान लो आपका सुक्रोज हो गया तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज सुक्रेज। ये किसमें टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कैसे याद करना है देखो गैलेक्टेज लैक्टेज तो गैलेक्टेज में ही आ गया तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज हो गया लैक्टोज के लिए और सुक्रोज को तोड़ते हैं ग्लूकोज प्लस सो so, सुको यानी कि शुगर और शुगर किस में होती है गन्ने में तो आप उससे याद कर सकते हो फ्रूट्स में सॉरी तो आप याद कर सकते हो ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोज की यूनिट्स है सुक्रोज बेटा यहीं तक आपके बुक में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था बट आपको ये बताया था ये मैंने आपको ज्यादा एडिशनल बता दिया है सो so, आप सब कुछ टूट गया सिंपल में या माइनो एसिड बन गया या सिंपल शुगर बन गया ये फैटी एसिड प्लस ग्लेस्ट्रॉल बन गया बस अब हो जाएगा इनका एब्सॉर्बन आपकी बॉडी इनको एब्सॉर्ब करेगी तो मैम एब्सॉर्ब कौन कर रहा है सवाल यह है एब्सॉर्ब कौन कर रहा है हाँ, यहां लिखा हुआ है स्मॉल इंटरस्टाइन मैम स्मॉल इंटेस्टाइन तो फाइनल डाइजेशन कर रहा था बेटा उसके पास ये देख रहे हो ये स्ट्रक्चर देखो बेटा ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये स्ट्रक्चर देखो ये ऐसे उंगली उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उसकी दीवार में और यही है वो स्ट्रक्चर जो खाने को टूट गया ना अब खाना सिंपल बन गया अब सेल में जाना है बॉडी में जाना है तो वो एब्जॉर्प्शन भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी क्यों क्योंकि उसकी दीवार में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है यहां देखो और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विलाय क्या बोल रहे हैं विलाय ये देख पा रहे हो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं विलाय इस तरीके से होते हैं और अगर एक विलाय देखोगे तो इसमें आपकी ब्लड वेसल्स भी होती हैं इस तरीके से ब्लड वेसल्स भी होती है ठीक है यहां पे लिख देती हूं विलाय आर विलाय क्या है मैं यहां पे लिख देती हूँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन मतलब बाहर निकली हुई प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत अच्छी बात है इनका फंक्शन क्या है ये इंक्रीज करती हैं यानी बढ़ाती हैं सरफेस एरिया नॉर्मली मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्सॉर्ब करना था पर उंगली 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 जैसे दीवारों पर स्ट्रक्चर लाने की क्या जरूरत पड़ी बताती हूँ टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इसको समझाती हूँ जगह है यहां समझते हैं यहां पहले समझ लेते हैं देखो आप एक धागे को मान लो ये एक धागा है दिख रहा है यहां देख लो ये एक धागा है और मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास जगह इतनी है बेटा काम करने की इतना ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और ये धागा है जिससे आप एब्जॉर्ब कर सकते हो तो आपने कहा मैम ये धागे को मैंने डाल दिया ये रहा और ये मान लो धागा एक लीटर एब्सॉर्ब कर सकता है एक लीटर चीज को एब्सॉर्ब कर सकता है अब आपने कहा मतलब आप आपके पास धागा बहुत सारे थे बहुत सारे थे मान लो ये रहे धागे बट आप एक ही धागे को डाल पाओगे ना क्योंकि जगह उतनी है तो अभी क्या सरफेस एरिया बढ़ गया नहीं आपने दिमाग लगाया एक इंटेलिजेंट बच्चा उसने कहा मैम धागे को मैं ऐसे रखना चाहता हूं रख ले बेटा तो तेरा एब्जॉर्प्शन होंगे लीटर कह मैम मेरे पास जगह और है मैं दूसरा धागा भी इस्तेमाल करूंगा मैंने और कर लिया एक और लीटर और कर लिया एक और लीटर तो इसको बोलते हैं क्या इंक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर किसी भी काम के लिए अगर एब्जॉर्प्शन कर रहे हो एब्जॉर्प्शन होब्जॉर्शन कर रहे हो सिक्रेशन डाइजेशन कर रहे हो डाइजेशन एब्जॉप की बात कर रहे हैं ठीक है? बात समझ आ गई सो so, अब चलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बड़े ऐसे इंटेस्टाइन की तरफ जिसमें हम देखें अगर तो ये 1.5 मीटर लंबा है सिर्फ ठीक है और वो आप देखो कितना लंबा था कितना लंबा था 7 मीटर लॉन्ग तो ये सिर्फ 1.5 मीटर है पर फिर भी लार्ज क्यों है बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर डायमीटर ठीक है इसके पास बेटा तीन हिस्से होते हैं अगर आप देखोगे इसके पास तीन हिस्से होते हैं मैं यहाँ पे दिखा रही हूं आपको सबसे पहला यहाँ पे देखो मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन था यहाँ आके जुड़ गया ठीक है ये स्मॉल इंटेस्टाइन था मान लो आड़ा तेड़ा ये यह यहाँ आके जुड़ गया तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला इसको बोलते हैं हम केकम या सीकम कुछ बच्चे सीकम बोलते हैं बोल लो सीकम कोई दिक्कत नहीं है ये इतना पार्ट ये ये आपका आ गया सीख उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला हिस्सा दूसरे कलर से ले लेते हैं ये वाला ये ये पूरा है कोलन ये जो पीला सा मार्क कर रही हूं ये पूरा है कोलन क्या है कोलन तो क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं असेंडिंग कोलन क्योंकि ये लेट गया ट्रांसवर्स कोलन क्योंकि नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलन ठीक है ये एस शेप का ये एस शेप बना रहे हैं ये बड़े होकर पढ़ोगे सिग्मोइड कोलन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है बस बता रही हूँ फिगर में है तो एस शेप का सिग्मोइड कोलन बस इतना याद करना है कोलन है उसके बाद आ गया ये यहाँ पे रेक्टम और ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं एनस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं एनस सो तो रेक्टम एक्चुअली में वो जगह है जहां खाना थोड़ी देर रहेगा कौन सा खाना मैम अब तो कोई खाना बचा ही नहीं डाइजेस्ट हो गया बिल्कुल बेटा डाइजेस्ट हो गया पर ऐसा भी खाना है जो अब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा हद हो गई सब कुछ कर लिया पर अब और डाइजेशन नहीं हो सकता तो वो खाना चला जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में तो मैम लार्ज इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं है बिल्कुल है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है लार्ज इंटेस्टाइन आपका एब्जॉर्बन करता है एब्जॉर्प्शन तो खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया था विलाइन इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया बेटा पानी भी तो एब्जॉर्ब होना है तो पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या लिखा है सीकम कोलन रेक्टम है इसके पास और यहां देखो लार्ज इंटेस्टाइन नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन कुछ नहीं होता बट क्या होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर और वॉटर में होते हैं मिनरल और कुछ ड्रग्स ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन ठीक है उसके बाद ये म्यूकस सिक्रिएट करेगा ताकि जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी में यानी जो पार्टिकल है वो बिल्कुल सेमी फ्लूड बन जाए और आपके क्या कहलाया जाए काइल यानी कि अभी जो फूड बोलस था बोलस के बाद फिर वो काइम बना जब वो स्टमक में गया जब वो स्टमक में गया वो काइम था ठीक है बोलस था वो ईसोफेगस में था माउथ के बाद उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो खाना है उसे बोलते हैं काइल क्या बोलते हैं काइल क्या बोलते हैं काइल जब आप बड़े हो गए इसको जरूरत है इसीलिए पढ़ा रही हूं और कोई बात नहीं ठीक है ठेके? आपकी जनरली बुक्स में पोलस लिखा होगा आ जाओ इस पे सो so, अब क्योंकि डाइजेशन हो गया डाइजेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल हो गया अब क्या करना है यूज सिम्युलेट करना है तो यहां देखो इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस हमारे टिश्यूज या फिर सेल में पहुंच जाते हैं और सेल उसको अब्सॉर्ब करता है यानी सॉरी यूटिलाइज करता है इस्तेमाल करता है क्या करता है यूटिलाइज करता है और अपना काम करता है सेल को जो काम करना है अब बात करते हैं हम इजेक्शन e की तो इजेक्शन e मतलब एग्जिट यानी कि वेस्ट को बाहर फेंक दो तो, तो यानी कि द फीकल मैटर फीकल मैटर क्या हुआ अनडाइजेस्टेड फूड अनडेस्टेड अच्छा यहां पर दिखिएगा अनडाइजेस्टेड फूड को हम फीकल मैटर कह रहे हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को जब आप रिमूव करते रहोगे टाइम टू टाइम उसको हम डेफिकेशन कहते हैं या फिर आप कह सकते हो फीकल मैटर को बाहर निकालना इजेशन सो इंजेशन हो गया था डाइजेशन पढ़ लिया जो लंबा प्रोसेस था उसके बाद एसिमिलेशन उसके बाद इजेशन ठीक है बेटा सो ये थे आपके पूरा पार्ट और यहां देख लो बेटा रेक्टम जो है वो करेगा स्टोरेज उस अनडाइजेस्टेड फूड की किसकी अनडाइजेस्टेड फूड की स्टोरेज करेगा और एनएस जो है वो फाइनली रिमूव कर देगा ये रिमूवल ऑफ वेस्ट में काम आएगा ये उसे बाहर फेक देगा फाइनली धक्का मार दो बाहर ठीक है सो so, ये होल एक चार्ट है जब आपको समय मिलेगा आप बिल्कुल देखना ये आप लोगों के लिए ही है कि मैंने ये बताया है किस तरीके से ये ग्लिस्टरॉल है ग्लिस्टरॉल ठीक है आप ये बाद में आराम से बिल्कुल देखना उसके बाद डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स ये एक गग्गा है काव है और इसकी बॉडी में कुछ इस तरीके से पार्ट्स हैं अगर आप देखो ये मैंने एक नेट से ही फोटो ली थी आपको समझाने के लिए र्यूमिन र्यूमिनेंट डाइजेशन क्यों देखो इसका ये माउथ है उसके बाद सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस के सबसे पहला पार्ट यहाँ देख पा रहे हो र्यूमनेंट यानी इसका खाना जो है सबसे पहले जाते ही सबसे पीछे चला जाता है ये 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 ग्रीन 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 वाला 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 देख रहे हो देखो ग्रीन वाला देखो पाइप पाइप यहां खाना सबसे पहले पहुंच गया र्यूमन में यानी कि ना पीछ में टूटा ना कुछ हुआ सबसे पहले जो जो खा रही है वो सीधा सीधा पीछे जा रहा है र्यूमन में जाके इकट्ठा हुआ अब र्यूमन के बाद क्या होगा ये वापस आना शुरू होता है धीरे धीरे जब गग्गा बैठ जाती है कहीं आराम से तो ये वापस जाना शुरू होता है और इस चेंबर में आ जाता है तो कौन से चेंबर में आया रेटिकुलम में आ जाता है अब रेटिकुलम के बाद क्या हो रहा है ये बेसिकली क्या हुआ वापस से मुंह की तरफ जाता है यहां देखो यहां दिखाते हो रुको तो पहले र्यूमन में आ गया फिर रेटिकुलम में आ गया अगर आप देखो ये ग्रीन वाला पाइप जो था ये यहां मुड़ा और एक चेंबर में आया ये चेंबर देख पा रहे हो अगर देख पा रहे हो तो ये चेंबर है रेटिकुलम उसके बाद ग्रीन वाला पाइप अगर आप देखो तो ब्लू बन गया देख पा रहे हो ब्लू पाइप बन गया तो यानी ये देखो। ये देखो तो माउथ की तरफ ठीक है और ज्यादा आप देखते हो कि गाय हमेशा करती रहती है वो क्यों करती है वो क्यों करती है क्योंकि उसका खाना पहले डाइजेस्ट हुआ ही नहीं था सीधा पहले कहा चला गया था आपके व्यूमन में उसको र्यूमिनेंट कह रहे हैं जब वो खाना पूरा र्यूमन में चला गया था अब वो र्यूमन से जाएगा रेटिकुलम में आगे जाने की कोशिश करता है रेटिकुलम उसको माउथ के पास ले जाता है ताकि वो चीव कर ले माउथ में चीव हुआ उसके बाद फिर वो एक वापस धीरे धीरे पीछे आ रहा होता है और जब वो धीरे धीरे पीछे आ रहा होता है उसमें एक पार्ट होता है ओमैसम ओमैसम में इसका पानी रिमूव हो जाता है उस खाने का पानी रिमूव हो जाएगा यानी यहाँ पे माइनस पानी हो जाता है उस खाने से पानी रिमूव हो जाएगा और उसके बाद एवो मैसम के पास जाता है जहां पे फाइनल डाइजेशन हो जाता है कहाँ पे फाइनल डाइजेशन कहाँ हो रहा है आपके एवो मैसम में ठीक है सो इसका एक फ्लो चार्ट भी होगा ये रहा माउथ में स्वेलो किया इसोफेगस में गया इसके बाद सीधा में जाता है जहां पे फर्मेंटेशन धीरे धीरे चलता रहता है उसको आप छोड़ दो उसके बाद कहा जाता है रेटिकुलम में रेटिकुलम के बाद ये फिर से माउथ में जाता है जिसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन क्या बोलते हैं रिगर्जिटेशन यानी वापस से माउथ में जाके च्यू होना अब उसके बाद फिर से ये स्वेलो हो जाता है और अब जाता है ओमैसम में ओमैसम में से पानी निकल जाता है खाने में से उसके बाद ये एबोमैसम में जाता है काइम बनकर और उसके बाद यानी फाइनल डाइजेशन हो गया सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी शावा शावा हो जाएगी ठीक है सो थैंक यू सो मच एस्पेरेंस आई थिंक ये शायद हमारा पहला सेशन होगा जब आप हमें देख रहे होंगे वीडियो को और मैं चाहती हूँ आपने जो भी सुना है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना एनसीआर खोलकर एक एक क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करना और आपके जो ओलंपियाड के क्वेश्चन एन आएस उसके क्वेश्चन है या इधर उधर से जहां से भी क्वेश्चंस है डाइजेशन के वो जरूर ट्राई करना एंड जुड़े रहना वीएमसी नीट मेडिकल के साथ ताकि आपकी जर्नी अगर आपने सोचा है नीट करने के लिए तो वो सफल रहे या कोई भी अदर एग्जाम करने के लिए जहां पे आपके बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग बनानी है आपको सो जुड़े रहिए मेघा राघव के साथ सो आज के लिए थैंक यू सो मच बट याद रखना अगली क्लास में हम जब भी मिलेंगे इससे दो तीन क्वेश्चन लेके आऊंगी ताकि आगे चैप्टर कंटिन्यू कर सके सो देन टेक केयर एंड गुड बाय